यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने इतने सारे रिवीजन लेक्चर डाल दिए, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग डाल दिया, DTAA डाल दिया, इक्वलाइजेशन लेवी डाल दिया, बार वाला टॉपिक डाल दिया, इस बार तो वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो भी डाल दिया, उसके बाद में एक रूल दे रखा है कन्वर्जन वाला इंडियन करेंसी में वो भी डाल दिया, सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिविजन लेक्चर कब आ रहा है? तो मैंने सोचा जो पुराना वाला लेक्चर है वही आप देख लोगे, बट आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो चलो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को रिवाइज करा लेते हैं। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को जो रिवाइज करा रहे हैं उसमें पुराने लेक्चर का भी कुछ पार्ट रहेगा, बट जहां जहां पे अमेंडमेंट है उसको मैंने फ्रेश रिकॉर्ड किया है, और ये आपके लिए अभी स्टार्ट करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिविजन लेक्चर। तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में सबसे पहला पार्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। कि सर एक बात बताइए, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए गाइस दो बेसिक कंडीशन है और दो यहां पर एडिशनल कंडीशन है। पहले हम बात करेंगे बेसिक कंडीशन की। देयर आर टू बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। तो टू बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। नाउ गाइस, इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी वन बेसिक कंडीशन, मींस एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, मींस या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट। लेकिन अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट बन गया तो आप उसको इग्नोर कर दो, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, गोस टू बाय ऑयल तेल लेने गया अगर कोई नॉन रेजिडेंट बन गया तो। लेकिन अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा वो पर्सन, वो इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा यहां पर एडिशनल कंडीशन है। देयर आर टू एडिशनल कंडीशन। और फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, मींस लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा इंडिया का रेजिडेंट रहा है। एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन है, दैट इज द स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। नाउ गाइस, इफ बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्योंकि यहां पे वर्ड है वो एंड यूज हुआ है, तो बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड अलोंग विद एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, तो उस केस में वो पर्सन आर एंड ओ आर बन जाएगा, अदरवाइज वो पर्सन आर बट एन ओ आर बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। देयर आर टू बेसिक कंडीशन। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर। और सेकंड बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। ये दो बेसिक कंडीशन में से इफ एनी वन बेसिक कंडीशन, means at least one basic condition is satisfied, that person will be treated as resident, otherwise that person is treated as non-resident. अगर वो non-resident बन गया तो goes to buy oil, आपको कुछ भी आगे देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो resident बन गया तो आपको check करना पड़ेगा वो R and OR है या फिर R but NOR है। उसके लिए you have to check the two additional condition, and that additional condition is resident for two previous year or more in last 10 previous year, and stay in India for 730 days or more in last 7 previous year. If both the additional conditions are satisfied along with at least one basic condition, that person will be treated as a R and OR, otherwise that person will be treated as R but NOR. अब एक चीज समझना यहां पे, जब भी आप नंबर ऑफ डेज निकालते हैं ना, तो नंबर ऑफ डेज के लिए हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन जिस पर्टिकुलर डे पे कोई पर्सन कोई इंडिविजुअल इंडिया में एंटर होता है या जिस दिन इंडिया छोड़ के वो जाता है, वो दोनों दिन इंडिया में कंसिडर किए जाएंगे, मींस बोथ डेज विल बी ट्रीटेड एज स्टे इन इंडिया। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज के दिन कोई पर्सन है वो इंडिया में आया तो आज का दिन इंडिया में माना जाएगा, और अगर मान लो कोई पर्सन है वो कल इंडिया से गया वापस तो कल का दिन है वो भी इंडिया में माना जाएगा। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस जहां पे आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। देर आर थ्री केसेस जिसमें आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू चेक दिस फर्स्ट बेसिक कंडीशन, मींस फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। कितने केसेस? थ्री केसेस। थ्री केसेस में ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ना, इसके ऊपर आपको काटा मारना है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं। सर कौन कौन से ये थ्री केसेस है? सबसे पहला, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है करंट प्रीवियस ईयर में फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है इंडिया के बाहर या तो जॉब करने के लिए जा रहा है, इंडिया के बाहर कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा है, इंडिया के बाहर कोई प्रोफेशन के लिए जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट बेसिक कंडीशन
कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। सेकेंड, इफ कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्रू मेंबर है ऑफ अ इंडियन शिप और लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में भी सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है, इंडियन सिटीजन इज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप और वो इंडिया छोड़ के करंट ईयर में जा रहा है करके, ठीक है, तो उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं। और तीसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन मीन्स एनी पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में से आइदर कोई भी है वो बॉर्न हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में, मींस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बिफोर 1947, उसको मैं बोलूंगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में आ रहे हैं, मीन्स वो आउटसाइड इंडिया है, वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो इस साल में इंडिया में आ रहे हैं फॉर अ विजिट के लिए, और उनका जो टोटल इनकम है फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ के उनका जो टोटल इनकम है वो अप टू 15 लाख इन अ प्रीवियस ईयर है, तो उस केस में बेटा आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है, ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। देयर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस वेयर देयर इज नो नीड टू चेक दिस सेकंड बेसिक कंडीशन, ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सर ये कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखने का है। पहला केस, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, एंड तीसरा पर्सन कौन है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो इंडिया के बाहर है और वो इंडिया में क्या आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं, और उनका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम है दैट इज नॉट मोर देन द 15 लाख रुपीज, मीन्स इट इज अप टू 15 लाख रुपीज, तो उसके केस में आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है, ये सेकंड बेसिक कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका यहां पर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, आपका जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, क्योंकि सर आप यहां पे क्या बोल रहे हो कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए और उसका टोटल इनकम अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख है तो आपको यह सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर 15 लाख से ज्यादा है ना तो आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, और इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां 60 डेज की जगह आपको 120 डेज है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 60 डेज की जगह आपका 120 डेज है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मींस आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगी दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये आपकी सेक्शन यहां पे बन जाएगी। You got my point or not? Yes, तो देखो बेटा, एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। There are three cases जहां पे आपको ये second basic condition है ना, ये second basic condition आपको देखने की जरूरत नहीं है। कौन-कौन से? Indian citizen leave India during the previous year for an employment outside India. Indian citizen leave India during the previous year as a crew member of the internship. Indian citizen or person of Indian origin, they comes in India for a visit and their total income is up to 15 lakh. तो second basic condition देखने की जरूरत नहीं है, but total income is more than 15 lakh है, तो आप second basic condition देखेंगे, but in second basic condition, instead of 60 days, यहां पे 120 days हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्या अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, उनका टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है और फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, सेकंड बेसिक कंडीशन देखने का है, सेकंड बेसिक कंडीशन में आप यहां पे 120 डेज देखते हैं, अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में फिर आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज आर बट एनओआर, that person will be treated as R but NOR means वो person आपका resident but not ordinary resident माना जाएगा, यहां पे आपको additional condition देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, देखो person of Indian origin और Indian citizen they comes in India for a visit and their total income other than foreign source का income is more than 15 lakh, तो आपको ये second basic condition check करना है, 120 days substitute हो जाएगा instead of the 60 days, और यहां पे अगर second basic condition satisfied हो गई and this first basic condition is not satisfied, then directly that person will be treated as resident but not ordinarily resident, there is no need to check the additional condition, but guys if first basic condition is satisfied ho gayi to fir aapko dekhna padega that person is R and OR ya fir R but NOR, but yahan pe first basic condition satisfied nahi hoti hai aur only second basic condition satisfied ho jati hai to wo person aapka seedha R but NOR ban jayega, yahan pe aapko additional condition check karne ki zarurat nahi hai। You got my point or not? Yes। ab ek aur cheez samajhna, ek section aati hai That is the section 6(1)(a) करके, और ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, सबसे पहली चीज है दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन, ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई पर्सन है वो, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है
और इंडियन सिटीजन है एंड टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. इफ एनी पर्सन इज अ इंडियन सिटीजन, अगर इंडियन सिटीजन है और एज पर सेक्शन 6(1) जो अपन ने देखी थी वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, समझने की कोशिश करना. अगर कोई पर्सन है वो इंडियन सिटीजन है और उसका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम इज मोर देन 15 लाख, टोटल इनकम इज मोर देन 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, वो डीम्ड टू बी इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा, वो इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा. इफ ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर एंड ही इज ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. यहां पर एक सेक्शन आती है 6(1)(a) दैट इज रिलेटेड टू द डीम्ड रेजिडेंसी. ये सेक्शन क्या बोलती है कि इफ कोई इंडियन सिटीजन है, पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन. इफ इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया का रेजिडेंट डायरेक्टली नहीं बना, 6(1) के हिसाब से इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, बट इंडियन सिटीजन है और उसका टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल ड्यू टू हिज रेजिडेंसी और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी आर बट एनओआर ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक इंडियन सिटीजन है वो दुबई में जॉब कर रहा है, दुबई में टैक्स लगता नहीं है, ही इज नॉट लाइबल टू पे द टैक्स इन दुबई, तो दुबई का में कोई रेसिडेंसी कंसेप्ट वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो वो वहां का रेजिडेंट नहीं है. और लेकिन अगर इंडिया से उसका इनकम मोर देन 15 लाख है तो उसको इंडिया का डीम टू बी रेजिडेंट है, वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. बट एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि सर लाइबल टू टैक्स का मीन्स क्या होता है? लाइबल टू टैक्स का मीन्स किसी भी कंट्री में उस पर अगर टैक्स लगता है ड्यू टू द रेजिडेंसी दैट इज कॉल्ड लाइबल टू पे टैक्स. अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है किसी कंट्री में टैक्स तो था लेकिन एग्जेम्पशन दे रखी है, तो क्वेश्चन ही आता है कि एग्जेम्पशन दे रखी है टैक्स लग नहीं रहा है बट लाइबल टू पे टैक्स तो था ही था ना? आंसर इज यस. अगर एग्जेम्पशन दी हुई है तो भी उसको लाइबल टू पे टैक्स माना जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री में और यहां डीम्ड रेसिडेंसी का कांसेप्ट नहीं लगेगा. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. तो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन की टोटल इनकम इंडियन सोर्स से मोर देन 15 लाख है और वो किसी और कंट्री में लाइबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज रेजिडेंसी और डोमिसाइल एंड ऑल, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और वो हमेशा डीम्ड टू रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है. सीबीडीटी का सर्कुलर ये बोलता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन जो है ना वो इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर है किसी फॉरेन बाउंड शिप का. फॉरेन बाउंड शिप का मतलब क्या होता है? ऐसी शिप जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, जैसे इंडिया से यूएसए कोई शिप जा रही है, इंडिया से रशिया कोई शिप जा रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बाउंड शिप. तो उस केस में उसका सर पीरियड ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज स्टे आउटसाइड इंडिया कैसे निकालेंगे? तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलता है कि उसमें क्या होता है कि उसका एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उसका एक ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है और जिस दिन वापस से वो शिप को छोड़ के आता है, ये दोनों दिन और उसके बीच में जितने भी डेज है दैट डेज विल बी ट्रीटेड एज स्टे आउटसाइड इंडिया. तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है, मींस फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है जिसका डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बाउंड शिप. अब एक चीज समझना क्या हो रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम है राम, राम क्या कर रहा है किसी क्रू मेंबर है शिप का और वो यहां से यूएसए जा रहा है, उसने आज मान लो मुंबई में शिप को ज्वाइन किया, तो आज की डेट से लेकर और वापस से वो यूएसए जाके और वापस आएगा ना, तो वो क्या करेगा, शिप को साइन ऑफ करेगा. तो उसके बीच में जितना भी पीरियड है एज वेल एज बोथ द डेज, जिस दिन उसने ज्वाइन किया और जिस दिन उसने साइन ऑफ किया, वो दोनों दिन भी इंडिया के बाहर ही स्टे माना जाएगा, ये माना जाएगा दैट इज स्टे आउटसाइड इंडिया. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस. एक चीज समझना, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस है वो डिपेंड करेगा कि एचयूएफ के जो अफेयर्स है वो मैनेज और कंट्रोल कहां से होते हैं. HUF के जो भी अफेयर्स है वो मैनेज और कंट्रोल कहां से होते हैं, मींस HUF के जो अफेयर्स है वो अगर मैनेज एंड कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया है, या तो फुल्ली और पार्टली इन इंडिया, तो एचयूएफ रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज एचयूएफ नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. मींस फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, और अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट बन जाएगा. अब एक चीज समझना, एचयूएफ अगर रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा एचयूएफ आर एंड ओआर है या फिर आर बट एनओआर है. वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको एचयूएफ के कर्ता से, और आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता क्या दोनों एडिशनल कंडीशन 6(6) की सेटिस्फाइड करता है या नहीं. एक कर्ता सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ 6(6) और बोथ द एडिशनल कंडीशन 6(6) की कौन सी रहती है, दैट इज द रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर. अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है अलॉन्ग विद द
अलॉन्ग विद लाइक एच यू एफ का लाइक होली एंड पार्टली मैनेज्ड और कंट्रोल इन इंडिया, तो एच यू एफ बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज एच यू एफ क्या बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज ये है कि एच यू एफ का अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, अगर फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल तेल लेने गया, लेकिन रेजिडेंट बन गया तो यू हैव टू चेक दैट आर एंड ओ आर है या फिर आरबेट एन ओ आर है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा करता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं, करता सेटिस्फाइड बोथ द additional condition, in that case HUF will be the R and OR, otherwise HUF will be R but NOR. Next part आता है कि sir firm AOP BOI local authority and artificial juridical person, इनका residential status कैसे देखेंगे, इनका residential status भी आपके control और management से पता चलेगा, और control और management if partly or fully in India है तो resident, otherwise non-resident, इनके case में वो R and OR, R but NOR नहीं होता, ये R and OR, R but NOR है वो सिर्फ individual और HUF के case में होता है, बाकी किसी के case में नहीं होता। Now we are going to start with the residential status of the कंपनी। सर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, और एग्जाम में 6-6 मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चन से वो यहां से पूछे जाते हैं, यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। सर कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। सबसे पहले मैं बात करूं इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी होती है ना वो हमेशा रेजिडेंट होती है, ऑलवेज रेजिडेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस है, टाटा है, बीबी वर्चुअल है, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये इंडियन कंपनी है, दे आर ऑलवेज रेजिडेंट। बट अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉरेन कंपनी का पोएम कहां पे है, अगर फॉरेन कंपनी का पोएम इन इंडिया है तो वो फॉरेन कंपनी कि इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। तो देखो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी डिपेंड करेगा कि उसका पोएम कहां है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां पे है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो इंडिया में है, पोएम इंडिया में है, तो उस केस में फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर पोएम कैसे पता चलेगा, तो पोयम के लिए सीबीडीटी के कुछ सर्कुलर है, और वो सर्कुलर के बेसिस पे पता चलेगा कि फॉरेन कंपनी का पोयम कैसे देखा जाएगा। एक चीज समझना, अभी से लेके और नेक्स्ट अप्रोक्स 10 मिनट्स तक जो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो सिर्फ फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना, यहां इंडियन कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इंडियन कंपनी आपकी हमेशा रेजिडेंट मानी जाती है, मैं फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं। तो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड आपको यहां पे पोयम देखना पड़ेगा, और पोयम बेसिस पे वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखी जाएगी। तो अगर पोयम इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी, पोयम इंडिया के बाहर है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो उसके लिए सीबीडीटी के दो सर्कुलर है, एक तो सर्कुलर नंबर 6/2017 है और एक सर्कुलर नंबर 8/2017 है, और इन दोनों सर्कुलर से पता चलेगा कि आपको पोएम कैसे देखना है। लेकिन ये वाली जो गाइडलाइंस हम देखने वाले हैं ना, ये एप्लीकेबल तभी होती है जब फॉरेन कंपनी का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर 50 करोड़ से कम है तो असेसिंग ऑफिसर देखेगा कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पे है, मींस उसका पोएम कहां पे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे, एओ डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में ये गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं गाइडलाइंस को फॉलो करवा रहा हूं, और ये गाइडलाइंस क्या है, अब आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। तो देखो बेटा, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी का पोयम कहां है, उसके लिए आपको एक काम करना है, सबसे पहले दो चीजें देखनी है। पहली चीज, अगर एबीओआई टेस्ट फुलफिल होता है, फर्स्ट चीज, फर्स्ट स्टेप, एबीओआई टेस्ट फुलफिल होता है, एबीओआई मींस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एंड सेकेंड कंडीशन, इफ मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है, वो मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है वो आउटसाइड इंडिया होता है, मींस अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, एक तो एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और एक मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर होती है, तो उस कंपनी का पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा, और जब इंडिया के बाहर माना जाएगा तो उस केस में वो कंपनी क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, वापस से ये दो लाइन बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसका एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है या नहीं, एंड सेकंड कंडीशन, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है या नहीं। अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है और जो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर होती है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो गई, तो उस केस में उसका जो पोयम है ना वो पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पोयम जो है वो इंडिया के बाहर माना जाएगा, मींस इंडिया के लिए वो कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। सबसे पहली चीज, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है, इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंगापुर से कंपनी है जिसका नाम है सिंगापुर कंपनी, फॉर एन एग्जांपल, वहां एक कंपनी है, उसने क्या किया, पूरे साल में सपोज 5 बोर्ड मीटिंग की, आउट ऑफ 5 बोर्ड मीटिंग 2 बोर्ड मीटिंग इंडिया में की, 2 बोर्ड मीटिंग सिंगापुर में की, और 1 बोर्ड मीटिंग मॉरिशस में की। एक बात बताइए मुझे, आउट ऑफ 5 3 मीटिंग इंडिया के बाहर हुई, तो ये एक टेस्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हुई है।
दूसरी कंडीशन यह है कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए। लेकिन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है पता है? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मींस अगर फोर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं मानूंगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। फोर कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन कि लाइक उस कंपनी का पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम। मीन्स पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम, मीन्स इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। मीन्स सबसे पहली कंडीशन, उस कंपनी का जो पैसिव इनकम है ना, वो पैसिव इनकम आपका 50% या उससे कम होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि उस कंपनी का जितना भी टोटल असेट है ना, उसमें से लेस देन 50% असेट है वो इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए। उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉई है ना, उन एम्प्लॉई में से लेस देन 50% एम्प्लॉई है वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए, सिचुएटेड होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि जो भी इंडियन एम्प्लॉई है वो कंपनी के टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर का लेस देन 50% पेरोल का खर्चा है वो इंडियन एम्प्लॉई पे खर्च होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि उस कंपनी का आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट कंप्लीट होता है। तो मैंने क्या बोला, एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए। यहां एबीआई टेस्ट का मतलब क्या होता है? एबीआई टेस्ट मींस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में चार कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम। मींस टोटल इनकम में पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ओनली, इट शुड नॉट बी मोर देन द 50%। सेकंड कंडीशन, लेस देन 50% असेट लोकेटेड इन इंडिया, लेस देन 50% एम्प्लॉई आर इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया, एंड जो भी इंडियन एम्प्लॉय उनका जो पेरोल एक्सपेंडिचर है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से कम होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि उस कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है। तो देखो, अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है एंड मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा, कंपनी है वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम, बट क्वेश्चन ये आता है पैसिव इनकम किसको बोलेंगे? तो गाइस, पैसिव इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो बिजनेस की इनकम को छोड़ के, जो बिजनेस की इनकम को छोड़ के जो इनकम होती है दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जैसे आपको रॉयल्टी की इनकम हुई, रॉयल्टी की इनकम है, या फिर आपका डिविडेंड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है या रेंटल का इनकम है। मैंने क्या बोला, रॉयल्टी का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है या फिर रेंटल इनकम है, ये तुम्हारी पैसिव इनकम मानी जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, अगर किसी का मनी लेंडिंग का बिजनेस है, मींस जिनका बैंकिंग बिजनेस है या फिर पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनके लिए इंटरेस्ट का इनकम है वो कौन सी इनकम हो जाएगी? एक्टिव इनकम हो जाएगी उनके लिए, वो एक्टिव इनकम हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या, पैसिव इनकम का मतलब क्या? तो पैसिव इनकम का मतलब होता है कि या तो आपको रेंटल इनकम है, या फिर आपका कैपिटल गेन है, या फिर आपका इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है या डिविडेंड है। तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन और रेंटल इनकम है, ये तुम्हारा पैसिव इनकम हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट का इनकम है वो एक्टिव इनकम हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के लिए एज वेल एज द पीएफआई के लिए। जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, बैंकिंग कंपनी होती है, उनके लिए क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट का इनकम होता है वो इंटरेस्ट का इनकम आपका एक्टिव इनकम हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है यहां पे, अगर कोई भी एसएससी है उसकी परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स दोनों अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से होती है तो वो भी तुम्हारी पैसिव इनकम हो जाएगी। अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है जिसने जो परचेज ऑफ गुड्स किया और वो गुड्स जो सेल किया वो दोनों अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है, मींस परचेज भी एसोसिएट एंटरप्राइज से किया और सेल भी एसोसिएट एंटरप्राइज, दोनों चीजें परचेज और सेल एसोसिएट एंटरप्राइज से है, तो उससे जो इनकम होगी वो तुम्हारी पैसिव इनकम हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने परचेज एसोसिएट से किया है, सेल आपने क्या किया, अनएसोसिएट को किया या नॉन एसोसिएट या आउटसाइडर को किया, तो उस केस में वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। या फिर आपने परचेज आउटसाइडर से किया है और सेल है वो आपने एसोसिएट को किया, तो वो भी तुम्हारी एक्टिव इनकम होगी। पैसिव इनकम में कौन सी इनकम आएगी, जहां परचेज और सेल दोनों है वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से और एसोसिएट एंटरप्राइज को होता है, तो उस केस में वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, पैसिव इनकम हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हैं कि जो भी इनकम होगी उसमें पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50%, लेकिन सर इनकम कौन से लॉ के हिसाब से लेंगे? तो सबसे पहली चीज यह है कि वो कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, फॉरेन कंट्री में, एग्जांपल के लिए मैंने सिंगापुर की बात की, तो अगर वो कंपनी है वो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है तो आपको देखना पड़ेगा कि सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से उसकी इनकम कितनी है। इनकम आप लेंगे वो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से लेंगे, लेकिन एक चीज समझना, अगर सिंगापुर में टैक्स लॉ ऐसा कोई इनकम कंप्यूटेशन का रूल ही नहीं है, हो सकता है वहां इनकम टैक्स ही नहीं है,
तो उस केस में सिंगापुर का जो के हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इनकम होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपको इनकम लेनी पड़ेगी। लेकिन सर आप ये बोल रहे हैं कि लेस देन 50% ऑफ असेट लोकेटेड इन इंडिया होनी चाहिए, लेकिन असेट की वैल्यू कैसे लेंगे? तो असेट की वैल्यू दो चीजें, अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डेप्रिशिएबल असेट के केस में आप एक काम करिए, ओपनिंग और क्लोजिंग WDV का एवरेज ले लीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग WDV जो है उसका आप एवरेज ले लीजिए एज पर द टैक्स लॉ ऑफ दैट कंट्री, एंड जो भी अदर असेट है अदर असेट के लिए आप क्या ले लीजिए, बुक वैल्यू ले लीजिए। तो देखो आप कैसे लेंगे असेट की वैल्यू, तो असेट की वैल्यू के लिए दो तरह की असेट, एक तुम्हारी WDV वाली, WDV मींस आपकी डेप्रिशिएबल असेट, उनके केस में ओपनिंग और क्लोजिंग WDV का एवरेज लीजिए, और जो भी तुम्हारी अदर असेट है उनके लिए आप बुक वैल्यू ले लीजिए। अब एक और चीज समझना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे देखेंगे, क्योंकि जितने भी आपके टोटल एम्प्लॉय है उसमें से लेस देन 50% एम्प्लॉय है वो इंडिया में होने चाहिए। तो टोटल एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे देखेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि ईयर के स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉय थे, बिगनिंग में और एंड में कितने एम्प्लॉय थे, आप उनका एवरेज ले लीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग में 500 एम्प्लॉय थे और लास्ट में 700 एम्प्लॉय है, तो उस केस में आपका एवरेज कितना आ गया, 600 एम्प्लॉय है, वो आपका एवरेज आएगा। उसमें से आप देखेंगे इंडिया में एम्प्लॉय कितने हैं, इंडिया के जो एम्प्लॉय है वो लेस देन 50% एम्प्लॉय है वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। अब एक चीज समझना, इसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं लेकिन वो काम वैसा ही करते हैं जैसे आपके रेगुलर वर्कर करते हैं। बहुत बार जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं आपके पास है लेकिन काम वैसा ही करते हैं जो रेगुलर वर्कर करते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी हम एम्प्लॉय में लेंगे, आंसर इज यस, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन योर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उनको भी आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में लेना पड़ेगा। सर पेरोल के एक्सपेंडिचर का अपन क्या करेंगे, तो पेरोल के कॉस्ट में जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, जितना आपने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जितना भी खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड योर पेरोल एक्सपेंडिचर। तो देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं और उसके फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है, पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको यहां पे गाइडलाइंस दे रखी है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनी के लिए आपको देखना पड़ेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, टू कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो पोयम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा और वो कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। कौन कौन सी दो कंडीशन, सबसे पहली मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन एबीआई टेस्ट फुलफिल होना चाहिए। एबीआई टेस्ट फुलफिल कैसे होगा, जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, फोर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम, सेकंड कंडीशन लेस देन 50% असेट लोकेटेड इन इंडिया और लेस देन 50% एम्प्लॉय आर सिचुएटेड इन इंडिया और रेजिडेंट इन इंडिया, एंड जो भी इंडियन एम्प्लॉय है उनके लिए जो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर है उसका लेस देन 50% पेरोल एक्सपेंडिचर है वो इंडियन एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया, और अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो कंपनी का पोएम इंडिया के बाहर माना जाएगा और वो कंपनी इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी, तो देखो एक तो तुम्हारा रेंटल इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन आ जाएगा, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, वो तुम्हारे पैसिव इनकम में आएगी। लेकिन ध्यान रखना अगर बैंकिंग कंपनी है या PFI है तो उसके लिए इंटरेस्ट है, वो एक्टिव इनकम बन जाएगी। दूसरी चीज, आप कोई भी गुड्स है वो परचेज एंड सेल्स अगर दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज से ऑन को होता है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा पैसिव इनकम हो जाएगा। इनकम के केस में आपको फॉरेन के टैक्स लॉ के हिसाब से लेना है, अगर वहां टैक्स लॉ ऐसा कंप्यूट करने का नहीं बोलता तो उस केस में वहां का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से आपको इनकम लेना है। उसके बाद में असेट की वैल्यू कैसे लेंगे, डेप्रिशिएबल असेट के लिए ओपनिंग क्लोजिंग WDV का एवरेज लेंगे और जो तुम्हारी अदर असेट है उसके लिए आप बुक वैल्यू ले लेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉय थे, एंड में कितने एम्प्लॉय थे, आप उसका एवरेज ले लीजिए। स्टार्टिंग में कितने थे, एंड में कितने थे, आप उसका एवरेज ले लीजिए। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको भी आप इंक्लूड करेंगे और पेरोल एक्सपेंडिचर के लिए जितना आपने एम्प्लॉय के लिए कॉस्ट इनकर किया वो तुम्हारा पेरोल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, एबीआई टेस्ट भी फुलफिल हो रहा है, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो मैं बोलूं पोयम इंडिया के बाहर है। लेकिन एक चीज समझना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो अगर एक्सरसाइज नहीं करता है अपना पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो एकदम पंगू हो गया, उसके पास कोई डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया, मोर देन बोर्ड ऑफ मोर देन लाइक 50% मोर देन मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है, एबीआई टेस्ट भी फुलफिल हो गया, लेकिन तो भी बोर्ड अगर अपना काम नहीं कर रहा है, बोर्ड जो है बोर्ड के पास कोई पावर ही नहीं है, एक्सरसाइज पावर नहीं करता है, कोई डिसीजन मेकिंग का पावर वो बोर्ड के पास नहीं है, तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि उस केस में अगर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, बोर्ड एक्सरसाइज नहीं कर रहा है पावर, लेकिन इंडिया में बैठा कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या इंडिया की होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है, तो उस केस में उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा, इवन दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई थी। तो देखो मैंने क्या बोला,
एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर है, लेकिन जो बोर्ड है ना वो अपना काम कर ही नहीं रहा है। बोर्ड के पास डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं है, मेजर डिसीजन है वो इंडिया से लिए जा रहे हैं, इंडिया में कोई पर्सन बैठा है वो ले रहा है, या इंडिया की होल्डिंग कंपनी ले रही है, तो उस केस में पोएम इंडिया में माना जाएगा, इवन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करते हैं कि अपनी जो होल्डिंग कंपनी की कुछ जनरल और ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है ग्लोबल पॉलिसी के, वो फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इंडिया की एक होल्डिंग कंपनी है अदानी, अदानी की सब्सिडियरी कंपनी पूरे वर्ल्ड में। अब वो सब्सिडियरी कंपनियां क्या करती है कि जो होल्डिंग कंपनी ने कुछ ऐसे फंक्शंस डिसाइड किए हुए हैं वो एज इट इज फॉलो करते हैं, जैसे कि पेरोल फंक्शन है, अकाउंटिंग फंक्शन है, एचआर फंक्शन है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शन है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, सप्लाई चेन है, रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन है। ये जो फंक्शंस होते हैं वो ग्रुप के फंक्शंस होते हैं जो हर कंपनी ऐसे ही फॉलो करती है। तो क्या वो ऐसे अगर फॉलो कर रही है कोई सब्सिडियरी कंपनी तो क्या ये माना जाएगा कि यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा? आंसर इज नो। यहां पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। और इस केस में भैया है वो पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बार क्या होता है कि सब्सिडियरी कंपनी क्या करती है, ग्रुप की कोई पॉलिसी फॉलो करती है, दैट इज द पेरोल पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, एचआर फंक्शन है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क प्लेटफॉर्म, सप्लाई चेन, रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एज इट इज अगर उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी फॉलो करती है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले रहा और उसका पोएम जो है वो इंडिया में बन जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसको आपने एब्यूजिव यूज किया करके, ठीक है, अगर आपने कुछ गलत अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग के लिए आप इसको यूज करते हो तो उस केस में आप पे गार लग सकते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है वो गार लग सकते हैं, और गार के हिसाब से फिर आपके हाथ में टैक्सेबल हो सकता है। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे जितनी भी चीजें अपन ने देखी, जैसे अपन क्या कर रहे थे, एबीआई टेस्ट फुलफिल करने के लिए चार कंडीशन थी। पहला क्या था कि तुम्हारा पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम, लेस देन 50% असेट लोकेटेड इन इंडिया एंड ऑल। सर एक बात बताओ, ये जो देखते हैं ये कौन से ईयर का डेटा लेते हैं? एक तो आपको करंट ईयर का डेटा लेना है, लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर लास्ट टू ईयर्स का डेटा भी आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, थ्री ईयर्स के डेटा का एवरेज लेना है। जैसे एक बात बताओ, यहां पे इनकम आपकी करंट ईयर के लिए, फिर लास्ट ईयर के लिए, और लास्ट टू लास्ट ईयर के लिए, मीन तीन साल की इनकम है, फिर उसका एवरेज लेके, और फिर आपको देखना पड़ेगा, मीन आपको थ्री इयर्स का डेटा लेना पड़ेगा, करंट ईयर का डेटा एंड लास्ट टू इयर्स का डेटा, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि एबीआई टेस्ट फुलफिल होता है या नहीं। अब एक और चीज समझना, जैसे एक बात बताओ, करंट ईयर का जैसे मैं डेप्रिशिएबल असेट की बात करूं तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी, ये तो करंट ईयर का आ गया, फिर आपको लास्ट ईयर का भी ऐसा करना है, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी ऐसा करना, और फिर तीन साल का वापस से आपको एवरेज करना है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सर ये थ्री इयर्स कौन से लेने के हमको? तो थ्री इयर्स कौन से लेने का, ऑब्वियसली एक तो करंट प्रीवियस ईयर और लास्ट के टू प्रीवियस ईयर। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो वो कंपनी है ना, वो कंपनी कोई और अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है और हम प्रीवियस ईयर अलग फॉलो करते हैं। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि लाइक वो जो कंपनी है वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है और हम जो है वो यहां पे प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं, तो उस केस में सर कौन से ईयर का डेटा लेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है, अपने प्रीवियस ईयर में उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है वो वाला ईयर, और उसके लास्ट टू ईयर्स है उसका आपको डेटा का एवरेज लेना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22 है, तो 21-22 में अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो कौन सा कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाता है, मैं बताऊं, 2021 कंप्लीट होता है, तो 2021, 2020 एंड 2019 है, ये तीन साल का डेटा है उसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं होता है, एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं होता है, तो फिर क्या उसका पोएम कहां माना जाएगा? क्या उसका पोएम इंडिया में माना जाएगा? उस कंपनी को क्या हम रेजिडेंट बना देंगे? आंसर इज नो। उसके लिए इन्होंने बोला कि यहां पे दो स्टेज प्रोसेस होगी। सबसे पहला स्टेज तो ये रहेगा कि ये देखा जाएगा कि कंपनी के डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है, ये देखा जाएगा कि कंपनी के जो डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है, जो मेन डिसीजन है, जो की डिसीजन है, जो की कमर्शियल डिसीजन है, वो कौन ले रहा है, मींस पर्सन हु एक्चुअली टेक द मैनेजमेंट डिसीजन, एंड दूसरा ये देखा जाएगा वो पर्सन कहां से ले रहा है, और जहां से वो पर्सन ले रहा है ना, डिटरमाइन द प्लेस वेयर डिसीजन आर इनफैक्ट बीइंग मेड, वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं, वहां पे पोएम माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो पोएम इंडिया के बाहर है, वो कंपनी नॉन रेजिडेंट बन गई। लेकिन अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा पोएम कहां है? तो उसके लिए दो चीजें असेसिंग ऑफिसर देखेगा, सबसे पहला तो ये कि डिसीजन कौन ले रहा है, और दूसरा वो डिसीजन कहां से ले रहा है, जहां से वो डिसीजन ले रहा है ना वहां पे उसका पोयम माना जाएगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और इसमें एक और चीज समझना, डिसीजन कहां इंप्लीमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है, डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है।
डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन द डिसीजन कहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब एक और चीज समझना, जहां पे यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके पास ये अथॉरिटी है क्या की कमर्शियल डिसीजन लेने का, तो उस केस में देखेंगे कि प्लेस ऑफ की डिसीजन आर टेकन, कहां से की डिसीजन लिए जा रहे हैं वहां पे पोएम बन जाएगा। तो ये एग्जांपल दे रखे, ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पोएम गाइडलाइंस तभी लगेगा जब कंपनी का ग्रॉस एसेट या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, मींस 50 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस में ये गाइडलाइंस देखने की जरूरत नहीं है, फिर असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उसका पोएम कहां पे है। उसके बाद में यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल आप देख लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे एक सेक्शन हुआ करती है जिसका नंबर है 115JH। 115JH क्या बोलती है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी पहले है ना नॉन रेजिडेंट हुआ करती थी, लेकिन मान लो इस साल में वो रेजिडेंट बन गई इंडिया की और ड्यू टू द पोयम और पोयम की वजह से रेजिडेंट बन गई, तो सर एक बात बताइए, इस साल में उस कंपनी का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ब्लॉक का क्या लेंगे, एज वेल एज उसके लिए जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह है वो क्या इंडिया में सेटअप होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म चालू किया है फॉरेन कंपनी के लिए। तो एक बात समझना, ये सेक्शन है 115JH और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो पहले नॉन रेजिडेंट थी लेकिन अब इंडिया की रेजिडेंट बन गई, तो अब इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो सर एक बात बताइए उसके लिए ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ब्लॉक का क्या लेंगे, क्योंकि जैसे ही रेजिडेंट बन जाती है ना उसमें पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी तो सर उस पूरे वर्ल्ड में उसकी जो भी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है वो इंडिया में क्या लेंगे, और एज वेल एज द उसके लिए अगर मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या उसको सेटअप कर पाएंगे या नहीं, तो उसी से रिलेटेड यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 जो कि 22 जून 2018 को आया था। एंड गाइज ये जो नोटिफिकेशन है ना ये 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल हो रहा है। अब एक चीज समझना, ये नोटिफिकेशन को एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नोटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉरेन कंपनी है जो कि सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है और टैक्स रेजिडेंट उस कंट्री की है और पहली बार वो कंपनी जो है इंडिया की पोयम रेजिडेंट बन गई इन द प्रीवियस ईयर 22-23। तो करंट प्रीवियस ईयर अपना प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो 22-23 में वो इंडिया की अगर रेजिडेंट बन गई तो सर कैसे क्या होगा। सबसे पहले एक बात बताइए, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हम क्या लेंगे, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी क्या लेंगे क्योंकि अपने को 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी चाहिए क्योंकि उसी पे इस साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी असेट्स का क्या लेंगे, तो उसमें लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि आप एक चेक करिए पहले तो वो फॉरेन कंपनी क्या सिंगापुर की टैक्स असेसी है या नहीं, आपको यह चेक करना है कि वो जो फॉरेन कंपनी है क्या वो असेस टू टैक्स इन द सिंगापुर है या नहीं, अगर वहां पे असेस टू टैक्स इन द सिंगापुर है मीन सिंगापुर की टैक्स असेसी भी है, तो आप एक काम करिए कि वेदर डेप्रिसिएशन इज कंसिडर फॉर टैक्सेबिलिटी इन सिंगापुर, क्या सिंगापुर में डेप्रिसिएशन कंसिडर होता है टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकालने के लिए या नहीं, आंसर इज यस होता है, तो आप एक काम करो सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से जो भी 1 अप्रैल 2022 का डब्ल्यूडीबी होगा वो एज इट इज इंडिया में डब्ल्यूडीबी ले लीजिए, जो 1 अप्रैल 2022 को सिंगापुर के टैक्स लॉ के हिसाब से जो डब्ल्यूडीबी होगा वो एज इट इज इंडिया में डब्ल्यूडीबी ले लीजिए। अब एक और चीज समझना, अगर वहां पे डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होता है तो भी आपको डेप्रिसिएशन को लेस करना है और ये अजम्पशन के बेसिस पे कि डेप्रिसिएशन वहां पे एक्चुअली अलाउड होता है और जो भी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो डब्ल्यूडीबी बचेगा वो डब्ल्यूडीबी एज इट इज आप इंडिया में ले लीजिए। तो आप सिंपल सी बात बताओ कि 1 अप्रैल 2022 का डब्ल्यूडीबी कैसे लेंगे उस कंपनी के लिए, तो अगर सिंगापुर का टैक्स लॉ जो है उसके हिसाब से डब्ल्यूडीबी ले लीजिए, बट मान लो वो कंपनी सिंगापुर में टैक्स असेसी नहीं है, तो सिंगापुर की टैक्स असेसी नहीं है तो आप एक काम करिए सिंगापुर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो सिंगापुर के लिए जो कंपनी लॉ रहेगा उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ऑन 1/4/2022 का डब्ल्यूडीबी क्या है वो एज इट इज इंडिया में डब्ल्यूडीबी ले लीजिए और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर एक बात बताइए, जो उस कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी हमको मिलेंगे या नहीं, आंसर इज यस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर वो कंपनी जो है वो कंपनी वहां की टैक्स असेसी है तो एक काम करिए सिंगापुर के टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से जो तुम्हारे पुराने अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो ले लीजिए, बट अगर टैक्स असेसी नहीं है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो ओपनिंग वाले जो भी रहेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ले लीजिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात बताइए, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो हम जैसे इंडिया में मैं बात करूं अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज में जैसे बिजनेस लॉस है तो दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर द 8 ईयर्स। तो एक बात बताइए सर, वो जो 8 ईयर्स काउंट होंगे मींस इंडिया में हम जो उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेटअप करेंगे वो रिमेनिंग पीरियड के लिए करेंगे या फिर यहां पे फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम मिलेगा? राइट आंसर इज आप रिमेनिंग पीरियड के लिए करोगे।
रिमेनिंग पीरियड का मतलब होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल सिंगापुर में, सिंगापुर टैक्स लॉ के हिसाब से या वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है और वो मान लो 4 ईयर्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, तो रिमेनिंग 4 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंडिया में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेट ऑफ करेंगे। एक और चीज समझना, वो लॉसेज वो वाली इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो पाएंगे जो इनकम यहां पोएम रेजिडेंट बनने की वजह से इंडिया में टैक्सेबल हो रही है। मैं से एक बात बताऊं, कुछ इनकम ऐसी होती है जो सबके लिए टैक्सेबल होती है इंडिया में बिकॉज अगर इंडियन इनकम है, बट कुछ इनकम ऐसी होती है जब आप रेजिडेंट बन जाते हो तो टैक्सेबल होती है। तो अगर वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई और उसकी वजह से कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके सामने ही वो तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे। अब एक और चीज समझना, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर जो ईयर है उसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है और इंडिया में ईयर का कॉन्सेप्ट अलग चलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे एक बात बताइए, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है और ये चालू होता है 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक, ये अपना प्रीवियस ईयर है। अब एक बात समझना, इस साल में अगर कोई कंपनी है वो पोएम रेजिडेंट बन गई, इंडिया में वो रेजिडेंट बन गई, तो एक बात बताओ सर, अब उसके लिए जो लॉसेस है, और फॉर एन एग्जांपल सिंगापुर में फॉर एन एग्जांपल कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते और लॉस जो इंकर किया था वो फॉर एन एग्जांपल 2019 में किया था क्योंकि वहां तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते, तो 2019 में लॉस इंकर किया था। तो एक बात बताओ सर, यहां पे ईयर कैसे काउंट करेंगे, हाउ वी विल काउंट द ईयर, लाइक 4 ईयर हो गए हैं या 3 ईयर हो गए हैं या 2 ईयर्स हो चुके हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो यहां पर लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप एक काम करिए, सबसे पहले अगर इस साल में वो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बनी है, पोएम रेजिडेंट बनी है, दैट इज इन द प्रीवियस ईयर 22-23, तो आप एक काम करिए, हमारा जो प्रीवियस ईयर है ना, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, तो उससे पहले वाली डेट क्या थी, 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 से पहले उनका कौन सा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके और 31 मार्च 2022 तक आप अकाउंट्स बना लीजिए। तो इन्होंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, आप एक काम करिए कि हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, उससे पहले 31 मार्च 2022 आया, तो 31 मार्च 2022 जब आया उससे पहले कौन सा उनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके और 31 मार्च 2022 तक के लिए आप अपने अकाउंट्स बना लीजिए और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मीन्स आपको P&L बैलेंस शीट उस कंपनी का बनाना पड़ेगा। तो ये कंपनी क्या करेगी बेटा, पता है, एक तो अकाउंट बनाएगी 1 जनवरी 2022 से, अकाउंट बनाएगी 1 जनवरी 2022 से लेके और 31 मार्च 2022 तक, इस पीरियड के लिए वो कंपनी क्या करेगी, अपने अकाउंट्स बनाएगी, मींस यहां पे 3 मंथ के अकाउंट्स बनाएगी, एज वेल एज द उसके बाद में अगले 12 मंथ के लिए अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे। 12 मंथ के लिए अकाउंट्स का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब एक बात समझना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, इस पर्टिकुलर पीरियड, ये वाला जो पीरियड है, ये अगर आपका पीरियड 6 मंथ या उससे ज्यादा है, मींस ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपका 6 मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको 1 अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा, और अगर 6 मंथ से कम है तो उसके पिछले अकाउंटिंग ईयर के साथ आप इसको मर्ज कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड आपका 6 मंथ या उससे ज्यादा है तो उसको एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर मानिए, और अगर 6 मंथ से कम है तो आप उसके पिछले वाला जो अकाउंटिंग ईयर है उसके साथ में आप इसको मर्ज कर लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये जो पीरियड है, ये पीरियड मुझे बताइए सिर्फ 3 मंथ का है, That is less than the 6 month, तो less than the 6 month है, तो आप एक काम करिए, इस period को इसके पिछले accounting year के साथ में merge कर लीजिए, तो ये तुम्हारा 2022 वाला period था, तो इसके पहले वाला accounting year है वो 2021 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 January 2021 से लेके और 31 March 2022 तक 15 month का आपका एक ही accounting year लिया जाएगा। तो मुझे बताइए, 2019 है वो आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, उसके बाद 2020 है वो तुम्हारा सेकंड अकाउंटिंग ईयर रहेगा, और ये 15 मंथ के लिए आपका थर्ड अकाउंटिंग ईयर रहेगा, और अभी आपका 22-23 है ये आपका फोर्थ अकाउंटिंग ईयर रहेगा, और कैरी फॉरवर्ड के लिए ये जो करंट वाला ईयर है वो आपका फोर्थ ईयर माना जाएगा। लेकिन ये जो पीरियड का आप अकाउंट बनाते हो, अगर ये 6 मंथ या उससे ज्यादा होता तो आप क्या करते हो, उसको एक सेपरेट अकाउंटिंग ईयर है वो आप ट्रीट करते। यहां पे मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दे रखा है, अगर आप इस एग्जांपल से देख भी लोगे तो चलेगा, और ये कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा फॉर द पर्पज ऑफ द पेपर नंबर 7 के लिए, लेकिन 6C के लिए ऑब्वियसली एग्जाम में आ सकता है। अब एक बात समझना, पॉइंट नंबर 5 आता है, और पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि बहुत सारे टीडीएस टॉपिक के प्रोविजन ऐसे है जो रेजिडेंट पर्सन पे भी लगते हैं और नॉन रेजिडेंट पे भी लगते हैं, मींस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी पे भी लगते हैं।
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्या किया, किसी पर्सन को पेमेंट करते हो प्रोफेशनल फीस का, अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 194 जे में टीडीएस काटते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे तो 195 में टीडीएस काटना है। तो मुझे एक बात बताइए, जब टीडीएस टॉपिक के प्रोविजन है वो बीइंग द रेजिडेंट पे भी लग रहे हैं और फॉरेन कंपनी पे भी लग रहे हैं, तो कौन सा प्रोविजन लगाना है? राइट आंसर इज, जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन आपको लगाना है, जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन लगाना है, और फॉरेन कंपनी पे जो प्रोविजन लगता है वो वाला प्रोविजन लगाना है, और आपको 195 में टीडीएस काटना है। तो इन सिंपल वर्ड ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टीडीएस चैप्टर का कोई प्रोविजन ऐसा है जो फॉरेन कंपनी पे लगता है और रेजिडेंट पे भी लगता है। अब एक बात बताओ, ये कंपनी फॉरेन कंपनी है और रेजिडेंट भी बन गई, तो आप एक काम करिए, जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे लगता है वो वाला प्रोविजन यहां पे आपको अप्लाई कराना है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, जब वो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है उसने सिंगापुर में भी टैक्स भर दिया हो, तो सिंगापुर में जो टैक्स भर दिया तो उस इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, तो सर या तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डोंट वरी, जो फॉरेन में टैक्स भरा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा इंडिया में, एज पर द सेक्शन 90 और 91 जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल होते हैं उसके हिसाब से आपको इंडिया में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एक और चीज समझना, ये जो प्रोविजन और ये नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन वो इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो इनकम ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाती। कोई इनकम ऐसी होती है जो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, या अक्रूड और अराइज इन इंडिया, या रिसीव्ड इन इंडिया होती है, वो ऐसे भी टैक्सेबल हो जाती, भले वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी होती तो भी टैक्सेबल हो जाती, तो उन इनकम पे ये वाला नोटिफिकेशन नहीं लगेगा। और उसके बाद में नो इफेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन, अगर वो फॉरेन कंपनी के कोई दूसरे ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन पे इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। एक और चीज समझना, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया की पोएम रेजिडेंट बन गई, फॉरेन कंपनी है जो इंडिया की पोएम रेजिडेंट बन गई, अब एक बात समझना, इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं, इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगते हैं, तो वो वाले प्रोविजन बेटा इस कंपनी पे लगेंगे। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पे लगते हैं, तो वो वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेजिडेंट पे लगते हैं, तो वो वाले प्रोविजन लग जाएंगे। तो देखो, इनकम टैक्स लॉ में कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे लगते हैं, दैट प्रोविजन विल एप्लीकेबल हियर। कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पर्सन पे लगते हैं, वो प्रोविजन नहीं लगेंगे क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट नहीं है, और कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं जो ओनली रेजिडेंट के लिए लगते हैं, तो वो प्रोविजन आप पे लग जाएंगे। अब एक और चीज समझना, फॉरेन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी के लिए सर एक बात बताइए, टैक्स रेट क्या होगी? तो अगर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन गई तो भी उसके लिए टैक्स रेट फॉरेन कंपनी वाली ही रहेगी, दैट इज द 40%, उसको 40% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स रेट 40% ही होगी। वो फॉरेन कंपनी है, वो जैसे ही रेजिडेंट बन गई पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, लेकिन उसके लिए जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपका 40% है, वो 40% की टैक्स रेट से ही टैक्स भरना पड़ेगा। और फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहां पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अपने एग्जांपल में अपन ने लिया कि जैसे वो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो सिंगापुर जो है वो तुम्हारा फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्वेश्चन। ये आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब क्या होता है कि भैया किस पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो मैं बता दूं, इनकम दो तरह की होती है, वन इज द इंडियन इनकम, वन इज द फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या अराइज हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव हुई है, उस इनकम को हम इंडियन इनकम बोलेंगे। तो इंडियन इनकम मीन्स या तो इंडिया से अक्रूड होती है या इंडिया से रिसीव होती है, इंडिया में अक्रूड हुई है या इंडिया में रिसीव हुई है, दैट इज कॉल्ड इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे? जो भी इंडिया के बाहर वाली इनकम है दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम। मीन्स जो अक्रूड भी इंडिया के बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है सर कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, दो तरह की इनकम होती है, वन इज द इंडियन इनकम एंड वन इज द फॉरेन इनकम। बट फॉरेन इनकम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, वन इज द फॉरेन इनकम फ्रॉम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मीन्स बिजनेस है वो कंट्रोल इंडिया से होता है, या फिर कोई फॉरेन में प्रोफेशन है बट प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, तो वो वाली इनकम, और लास्ट वाली अदर फॉरेन इनकम। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होता है ना, तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। मीन्स इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, फॉरेन इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फिर फॉरेन प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, वो सब इनकम एज वेल एज द अदर फॉरेन इनकम है वो भी टैक्सेबल होती है। तो आर एंड ओ आर के लिए मैं एक बात बोलूं, पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन है वो आर बट एन ओ आर है, तो उसके लिए एक तो इंडियन इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, और दूसरा फॉरेन इनकम सिर्फ वही वाली टैक्सेबल होगी जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, वो टैक्सेबल होगी, अदर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वो इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, बाकी कोई भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, जो भी आर एंड ओ आर होता है ना, उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी।
जो आरबट एनवर होता है उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, और फॉरेन की इनकम वही वाली जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो टैक्सेबल होगी, और अदर फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, और एनआर के लिए ओनली इंडियन इनकम है वो टैक्सेबल होगी, बाकी वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। लेकिन सर एक बात बताऊं, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आर एनवर आरबट एनवर होता है, बाकी के केस में सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता है। तो उसके केस में अगर आप रेजिडेंट हो तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होगी, बाकी वाली इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक चीज समझना, यहां पर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आप कहीं पे फॉरेन में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपको इनकम रिसीव हो जाती है, उसके बाद आप इंडिया में रेमिट करते हैं किसी को, तो उस क्वेश्चन में उस केस में वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। रेमिटेंस इज नॉट ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर पहली बार कहां रिसीव हुई वो आपको देखना है। उसके साथ साथ में एक चीज समझना, इनकम है वो कैश में हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है इनकम है वो अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल हो गई होगी। बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं कि जैसे इनकम है वो इनकम जो है वो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, इस साल इंडिया में लेके आए, तो क्या इस साल इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज नो। अक्रूअल बेसिस पे अगर वो टैक्सेबल होता है तो जिस ईयर में वो इनकम था वो उस ईयर में टैक्सेबल हो गया होगा, इस ईयर में उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मींस अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो भी उसको मान लेंगे आपके हाथ में ये रिसीव हो गई है। इवन इनकम इज नॉट रिसीव्ड देन आल्सो इट इज ट्रीटेड एज एक्चुअली रिसीव्ड इन योर हैंड, दैट इज कॉल्ड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट, यू नो दैट इन केस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, तो इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी है ना वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय माना जाता है। इवन वो एम्प्लॉय को पैसा मिला नहीं है क्योंकि वो तो पैसा आरपीएफ में गया है, बट वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय माना जाएगा। और दूसरा, जो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट अक्रूड होता है, वो इन एक्सेस ऑफ द 9.5% है, तो 9.5% से जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट है उस केस में वो एक्सेस इंटरेस्ट डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाता है, एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अदर एम्प्लॉयर है वो आपके न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एम्प्लॉय को मिला नहीं, बट वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय माना जाता है। एंड अगर आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा था वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर ट्रांसफर होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है, तो उस केस में डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाएगा। तो देखो, तीन इनकम ऐसी होती है, सेक्शन 7 बोलती है डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय माना जाएगा। सबसे पहले, अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है, या 9.5% से एक्सेस वाला इंटरेस्ट है वो वाला, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन जाता है, या फिर आपका जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था वो अगर आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर होता है, तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय माना जाता है और वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट आता है सेक्शन 9, और सेक्शन 9 है वो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, दैट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। कोई कुछ इनकम ऐसी होती है जो अक्रूड और अराइज हुई नहीं है इंडिया में, बट उसको मान लेंगे इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। और उसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है, दैट इज द इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम है वो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन से होती है तो वो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। अब ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक फॉरेन का एक पर्सन है जिसका नाम है ओबामा, देयर इज वन पर्सन इन द फॉरेन, उसका नाम है ओबामा, और उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर राजू, राजू करके कोई पर्सन है इंडिया में, उसको उन्होंने अपॉइंट किया। तो ओबामा है वो नॉन रेजिडेंट है, और इंडिया में जो पर्सन है जिसका नाम है राजू। अब एक बात समझना, यहां पर क्या होता है कि ओबामा ने इंडिया में कोई पर्सन को अपॉइंट किया, और पर्सन क्या करता है पता है, उस ओबामा के बिहाफ पे, मीन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में वो क्या करता है, हैबिचुअली स्टॉक को मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट जैसे बोलता है उसका डिलीवरी करता है, या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए वो क्या करता है, इंडिया में हैबिचुअली होली और फुल्ली ऑर्डर सिक्योर करता है उस नॉन रेजिडेंट के लिए, तो उस केस में ये माना जाएगा कि इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो गया, और बिजनेस कनेक्शन जब हो जाता है तो उस केस में उसको इंडिया से जो भी इनकम होगी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसके बिहाफ पे कोई इंडिया में पर्सन है वो क्या करता है, या तो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, या फिर प्रिंसिपल रोल प्ले करता है इन द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसके लिए क्या करता है, होली और मेनली ऑर्डर सिक्योर करता है, या इंडिया में गुड्स का स्टोरेज करता है और उसका डिलीवरी करता है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉन रेजिडेंट, तो इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उस केस में इंडिया में इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं ना उसमें बिजनेस कनेक्शन वर्ड यूज नहीं होता, उसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज होता है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस कनेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन कंट्री के साथ में हमारे DTEE होते हैं ना उनके केस में हम PE देखते हैं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, बट जहां पे हमारे DTEE नहीं है वहां पे हम ये बिजनेस कनेक्शन वाला है वो देखते हैं। लेकिन एक बात समझना, मैंने आपको यहां पे क्या बोला
पहली चीज ये हैबिचुअली होना चाहिए। हैबिचुअली का मतलब होता है रेगुलरली, अगर वो रेगुलरली ऐसा करता है। अब एक चीज समझता है यहां पे क्या बोला हुआ है कि हैबिचुअली सिक्योर द ऑर्डर मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट, मीन्स वो नॉन रेजिडेंट के मेनली होली ऑर्डर सिक्योर करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर ए है, और जो मिस्टर एक्स करके एक नॉन रेजिडेंट है उसके लिए क्या करता है, मेनली और होली ऑर्डर सिक्योर करता है एक्स के लिए। तो मैं बताऊं, एक्स का तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाएगा, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है, वाई के लिए भी ऑर्डर सिक्योर करता है। तो वाई का इंडिया में क्या बिजनेस कनेक्शन बनेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये जो पर्सन है मिस्टर ए करके, मिस्टर ए जो एक्ट कर रहा है वो मिस्टर एक्स के लिए कर रहा है, और एक्स के लिए होली और मेनली ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। तो एक्स का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बनेगा, वाई का नहीं बनेगा करके, ठीक है। लेकिन वाई के लिए तो कुछ कुछ ऑर्डर ही सिक्योर कर रहा है। लेकिन एक बात समझना, यहां पे वाई के लिए भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाएगा अगर एक्स है वो वाई को कंट्रोल करता है, या फिर वाई है वो एक्स को कंट्रोल करता है, या कोई पर्सन ऐसा जेड है जो एक्स और वाई दोनों को कंट्रोल करते हैं, तो उस केस में यहां पे बेटा वाई का भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई नॉन रेजिडेंट उसके लिए इंडिया में कोई पर्सन है वो होली मेनली ऑर्डर सिक्योर उसके लिए करता है, तो उसका तो बिजनेस कनेक्शन बन गया। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसके लिए कभी कभी ऑर्डर सिक्योर करता है, तो क्या उसका भी बिजनेस कनेक्शन बनेगा? आंसर इज यस, बन जाएगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन सेकंड को कंट्रोल करता है, सेकंड फर्स्ट को कंट्रोल करता है, दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, तो उस केस में यहां पे बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, कहीं पे भी अगर मान लो आपका इंडिपेंडेंट स्टेटस है, मीन्स कोई एजेंट ऐसा है जो इंडिपेंडेंट एजेंट है और वो दुनिया में सबके लिए ऑर्डर वगैरह सिक्योर कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस कनेक्शन तभी बनता है जब इंडिया में आपका कोई डिपेंडेंट एजेंट है। जब डिपेंडेंट एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन बनेगा, अगर कोई नॉन डिपेंडेंट एजेंट या इंडिपेंडेंट एजेंट है तो उस केस में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। अब यहां पे एक और सेक्शन आती है, दैट इज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जिसको मैं एससीपी बोल सकता हूं। यहां पे इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में एससीपी बन जाता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाता है, तो ये डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इनकम मानी जाएगी और इंडिया में इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एससीपी कब बनता है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब बनता है, उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है दो कंडीशन, दोनों में से कोई भी अगर एक सेटिस्फाइड हुआ। पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो ट्रांजेक्शन करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स या सर्विस या प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया एंड एग्रीगेट जो ट्रांजेक्शन है वो पूरे साल में मिला के अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं तो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। ये क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता रहेगा फॉरेन की बहुत सारी वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर वगैरह सेल करती है, फॉरेन की बहुत सारी वेबसाइट है जो डेटा सेल करती है। अब एक बात समझना, होता क्या, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैंने क्या किया, फॉरेन की वेबसाइट पे गया और वहां से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, तो उसको जो ट्रांजैक्शन में इंडिया से पैसा मिला है और पूरे साल में मिला के अगर उनका जो ट्रांजैक्शन है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, पूरे साल में मिला के वो फॉरेन की जो वेबसाइट वगैरह है उनको जो है सॉफ्टवेयर वगैरह बेचा, उसका जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उनका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा और उनको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर क्या होता है, बहुत सारी ऐसे पता है एप्लीकेशन होती है, और वो एप्लीकेशन आपने देखी होगी जहां पे इंडिया में गेम्स वगैरह खेलते हैं, अगर उनके जो यूजर्स है वो यूजर्स 3 लाख या उससे ज्यादा है तो उनका भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और कंटिन्यू सोलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग एंड इंटरेक्शन विद द यूजर इन इंडिया, ऐसी कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, तो उनके जो यूजर है वो इंडिया में अगर 3 लाख या उससे ज्यादा है तो उन केस में उनका भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा। अब एक बात बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, ये अभी बहुत रॉ कंसेप्ट है, इन फ्यूचर में जाके 10-12 साल के बाद पूरा डेवलप हो जाएगा जब पूरा वर्ल्ड है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। इसके आगे अपन चलते हैं और यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, और ये एक्सप्लेनेशन डाली है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे जो इनकम होगी ना वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। सबसे पहले अगर मान लो किसी भी नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है फॉर द सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर उसने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेल किया और वो एडवर्टाइजमेंट टारगेट करता है इंडियन कस्टमर को, वो एडवर्टाइजमेंट है वो टारगेट करता है इंडियन कस्टमर को, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सेस दिया जाता है वो इंडियन आईपी एड्रेस से वो एडवर्टाइजमेंट देखा जाता है, या फिर कोई भी ऐसा डेटा सेल करता है नॉन रेजिडेंट किसी भी पर्सन को और वो डेटा जो कलेक्ट हुआ था वो डेटा कलेक्ट किया था इंडिया के रहते वाले लोगों से, या फिर इंडिया के आईपी एड्रेस से वो डेटा कलेक्ट किया था, या फिर कोई सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस यूजिंग द डेटा, अगर वो डेटा को यूज करते हुए कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल किया जाता है और वो वाला डेटा जो इंडिया से कलेक्ट हुआ था इंडियन पर्सन से या फिर इंडिया के आईपी एड्रेस से यूज हुआ था, तो ये वाली जो इनकम होती है ना ये भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, 4 चीजें ऐसी होती है जहां पे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, 4 चीजें ऐसी है, 4
ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। कहां कहां पे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा? सबसे पहली चीज कि अगर मान लो कोई भी इंडिया में पर्सन क्या करता है, गुड्स को परचेस करता है और एक्सपोर्ट कर देता है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि ओबामा ने क्या किया, इंडिया में एक ऑफिस खोला और इंडिया में गुड्स को परचेस कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर इंडिया में मान लो वो न्यूज और व्यूज को कलेक्ट करते हैं और इंडिया के बाहर उसको एग्जिबिट करते हैं, मीन्स इंडिया के बाहर उसको ट्रांसमिट करते हैं और वो वाली न्यूज है व्यूज है वो इंडिया से कलेक्ट की है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। या फिर इंडिया में किसी मूवी की शूटिंग की थी, इंडिया में किसी मूवी की शूटिंग हुई करके ठीक है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। बट उसमें एक कंडीशन है कि जो मूवी शूट की अगर वो इंडिविजुअल था, तो इंडिविजुअल के केस में वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर मान लो वो फर्म है तो उस फर्म के जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए, और अगर वो कंपनी है तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तो उस केस में यहां पे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। और लास्ट, अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और वो फॉरेन की कंपनी क्या करती है, माइनिंग बिजनेस में है, डायमंड के, डायमंड को माइनिंग करती है फॉरेन में, और इंडिया में क्या करती है, नोटिफाइड एरिया में वो अनअसोर्टेड या अनकट डायमंड होते हैं, जो रॉ डायमंड होते हैं, उसका सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करती है, तो डिस्प्ले एक्टिविटी करना है वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लो साउथ अफ्रीका की कोई कंपनी है, वो क्या करती है, इंडिया के जो नोटिफाइड जोन है वहां पे जाके क्या करती है, डायमंड का सिर्फ डिस्प्ले एक्टिविटी करती है, तो वो तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी इनकम ऐसी होती है जो प्रॉपर्टी या असेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है, तो उस केस में वो इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर फॉरेन में एक रिकी पॉन्टिंग करके एक क्रिकेटर है, उसका मुंबई में एक फ्लैट है, उस मुंबई के फ्लैट से अगर कोई भी रेंट वगैरह आता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी कैपिटल असेट ऐसी है जो सिचुएटेड इन इंडिया है और उसको आप ट्रांसफर कर देते हो, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो रिकी पॉन्टिंग ने मुंबई का फ्लैट है वो बेच दिया, और सेल करने से जो भी कैपिटल गेन हुआ वो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। इंडियन कंपनी के शेयर अगर आप बेचोगे तो वो इंडिया में लोकेटेड मानी जाती है, और उस केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक कांसेप्ट आता है, दैट इज द इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है, ये वोडाफोन केस लॉ को लेके आया था। अब एक चीज समझना, ये कांसेप्ट क्या बोलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंडिया में एक कंपनी थी, इंडिया की एक कंपनी है, जैसे मान लो ये इंडियन कंपनी करके, ठीक है, और इंडियन कंपनी, और मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरेन कंपनी, एक कंपनी है इंडियन कंपनी, एक कंपनी है फॉरेन कंपनी। अब एक चीज समझना, अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर बेच देते हो तो उस केस में तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ये फॉरेन कंपनी जो है ना, फॉरेन कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचते हो तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा, अगर ये फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू डिराइव्ड करती है इंडियन असेट से। मैंने क्या बोला, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से, तो उस केस में फॉरेन कंपनी के शेयर है वो डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे, और फॉरेन कंपनी के शेयर बेचने से भी टैक्स लग जाएगा। मींस अगर मान लो क्या हुआ कि ये फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी है, अब एक और फॉरेन कंपनी है, वो मान लो इसकी होल्डिंग कंपनी है, और एक और फॉरेन कंपनी है, अब यहां पे हुआ क्या, मान लो ये वाली फॉरेन कंपनी है वो इस फॉरेन कंपनी के शेयर इस फॉरेन कंपनी को बेचती है, तो उस केस में भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा इस सेक्शन के हिसाब से। यहां पे क्या बोला है समझने की कोशिश करना, यहां पे बोला कि फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की वैल्यू अगर सब्सटेंशियली डिराइव करती है इंडियन असेट से, तो उस फॉरेन कंपनी के शेयर डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे, और भैया अगर उस शेयर को बेचोगे तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, ऐसा कब माना जाएगा, ऐसा कब माना जाएगा कि ये जो फॉरेन कंपनी के शेयर है वो डिराइव्ड करते हैं अपनी वैल्यू इंडियन असेट से, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन तो ये कि जो फॉरेन कंपनी के पास में इंडियन असेट है, मींस इंडियन कंपनी के जो शेयर है, क्योंकि इंडियन कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी है, तो जो फॉरेन कंपनी के पास में जो इंडियन कंपनी के शेयर है ना, इंडियन कंपनी के जो असेट है, वो असेट की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। मींस फॉरेन कंपनी के पास में जो इंडियन असेट है, उस इंडियन असेट की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट कि फॉरेन कंपनी के जितनी भी असेट है ना, उन असेट्स में इंडियन असेट है वो एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मींस ये जो फॉरेन कंपनी है, इनके पास जितनी भी असेट है, उन असेट्स में 50% और मोर है वो इंडियन असेट होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेती है तो मैं बोलूंगा जो फॉरेन कंपनी है उनके शेयर्स की वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव हो रही है, और अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर बेचोगे तो भी उस पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, देखो एक इंडिया की कोई कंपनी है इंडियन कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी है फॉरेन कंपनी। अब एक बात समझना, आपने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा, लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स अगर आपने बेचे ना तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा, अगर ये फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू डिराइव कर रही है इंडियन असेट से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव कर रही है, ये कब माना जाएगा, कैसे माना जाएगा?
और ये कैसे माना जाएगा, कब माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी है वो अपने शेयर की वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव करती है? दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि फॉरेन कंपनी के पास जो इंडियन असेट है वो वैल्यू मोर देन 10 करोड़, और सेकंड कंडीशन इज फॉरेन कंपनी की जितनी भी टोटल असेट है ना उन असेट में 50% और मोर है वो इंडियन असेट है। फॉरेन कंपनी की जितनी भी असेट है उसमें 50% और मोर है, मींस एटलीस्ट 50% और मोर है वो आपकी इंडियन असेट होनी चाहिए, तो उस केस में ये माना जाएगा ये फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की वैल्यू है वो इंडियन असेट से डिराइव कर रही है, और फॉरेन कंपनी के आप अगर शेयर बेचोगे तो उस पर भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे क्वेश्चन यहां पे ही आता है कि अगर ये जो फॉरेन कंपनी के शेयर आप बेचोगे, मान लो इस फॉरेन कंपनी ने बेचे, मींस यहां पे ये शेयर होल्डर है, इसने क्या किया, इस फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे, तो उस केस में इंडिया में टैक्स लग जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो ये शेयर होल्डर है ना, ये लास्ट के 12 मंथ में, मींस ट्रांसफर की डेट से 12 मंथ पहले तक, मींस लास्ट के 12 मंथ में 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं रखता है और उसका कोई भी ऐसा वोटिंग पावर नहीं है, मींस 5% से ज्यादा का होल्डिंग नहीं रखता है और उसका कोई भी वोटिंग पावर वगैरह नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इस फॉरेन कंपनी के हाथ में, मींस इस शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है? देखो बेटा, मैंने पहले तो क्या बोला कि फॉरेन कंपनी का शेयर है वो अगर अपनी वैल्यू डिराइव करता है इंडियन असेट से, तो उस केस में फॉरेन कंपनी का शेयर डीम्ड टू बी लोकेटेड इन इंडिया माना जाएगा और इंडिया में उस पर टैक्स लग जाएगा। शेयर होल्डर जब भी फॉरेन कंपनी का शेयर बेचेगा ना तो भी टैक्स लगेगा, लेकिन वो शेयर होल्डर है वो अगर लास्ट के 12 मंथ में 5% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं रखता है, एज वेल एज तो उसने कोई भी लाइक कंट्रोल मैनेजमेंट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उस केस में भैया उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि इस फॉरेन कंपनी के पास इस इंडियन कंपनी के 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के असेट होनी चाहिए इस फॉरेन कंपनी के पास, और फॉरेन कंपनी की जो टोटल असेट है उसमें 50% और मोर है वो इंडियन असेट होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सी डेट को देखेंगे, तो ये वैल्यूएशन डेट को देखेंगे, और वैल्यूएशन डेट कौन सी डेट होती होगी पता है, जब भी शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, मींस फॉरेन कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उससे पहले फॉरेन कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग डेट कौन सा था, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट कौन सा था, इन सिंपल वर्ड बता दूं लास्ट बैलेंस शीट डेट कौन सी थी, तो फॉरेन कंपनी का जो भी लास्ट बैलेंस शीट डेट रहेगा ना वो वैल्यूएशन डेट रहेगा। लेकिन एक चीज समझना, फॉरेन कंपनी के जब आप शेयर बेच रहे हो, मींस जो शेयर के ट्रांसफर की डेट है और लास्ट बैलेंस शीट डेट, देखो नॉर्मली आपकी जो वैल्यूएशन डेट है वो लास्ट बैलेंस शीट डेट रहेगी, नॉर्मली वैल्यूएशन डेट है वो लास्ट बैलेंस शीट डेट रहेगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ट्रांसफर की डेट पे अगर बुक वैल्यू ऑफ असेट है इस फॉरेन कंपनी का, बुक वैल्यू ऑफ असेट है वो बुक वैल्यू ऑफ असेट मोर देन 15% हो जाता है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट, तो ट्रांसफर की डेट है वो वैल्यूएशन डेट हो जाएगी। तो देखो समझने की कोशिश करना आप लोग, सर सबसे पहली कंडीशन, फॉरेन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू इंडियन असेट से डिराइव कब करते हैं, दो कंडीशन, पहली कंडीशन लाइक इंडियन असेट है वो उनके पास 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और इनकी टोटल असेट में इंडियन असेट है वो आपका 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कौन सी डेट को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन डेट को, वैल्यूएशन डेट का मतलब होता है लास्ट बैलेंस शीट डेट। लेकिन एक चीज समझना, जिस दिन फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए ना, ट्रांसफर की डेट और लास्ट बैलेंस शीट डेट के बीच में जो डिफरेंस है बुक वैल्यू ऑफ असेट का, अगर बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन द ट्रांसफर डेट इज मोर देन 15% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन द लास्ट बैलेंस शीट डेट, तो उसके इसमें ट्रांसफर की डेट है ना, वो ट्रांसफर की डेट ही आपकी वैल्यू डेट बन जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, आप बोलते हैं कि यहां पे फॉरेन कंपनी के पास में इंडियन कंपनी के जो असेट है वो 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, एंड यहां पे दूसरा बोल रहे हैं कि इनकी जो टोटल असेट है उसमें एटलीस्ट 50% और मोर है वो फॉरेन लाइक इंडियन कंपनी का असेट होनी चाहिए, तो सर एक बात बताइए, असेट का मतलब क्या, आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट लेना है ऑन द वैल्यूएशन डेट, आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट लेना है ऑन द वैल्यूएशन डेट। एक और चीज समझना, यहां पे असेट लेते टाइम आपको लाइबिलिटीज को लेस नहीं करना है, यहां पे जब भी आप असेट लेंगे, असेट लेते टाइम आपको लाइबिलिटीज को लेस नहीं करना है, लाइबिलिटीज को आप लेस नहीं करेंगे, आप लाइबिलिटीज को लेस नहीं करेंगे, मींस एफएमवी ऑफ असेट लेंगे ऑन द वैल्यूएशन डेट विदाउट रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटीज, आपको लाइबिलिटीज लेस नहीं करना है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है सर, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ का पीरियड नॉर्मली प्रीवियस ईयर, बट मान लो फॉरेन कंपनी जो है वो अदर अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करती है, तो जो भी फॉरेन कंपनी फॉलो कर रही है वो वाला अकाउंटिंग पीरियड आपको यहां पे लेना है करके, ठीक है? अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंपनी जो है ना वो फॉरेन कंपनी की ऑल असेट इंडियन असेट नहीं है, हो सकता है कुछ असेट है वो फॉरेन असेट है, तो उस केस में इंडिया में कैपिटल गेन क्या पूरा टैक्सेबल होगा या प्रोपोर्शनेट होगा? राइट आंसर इज प्रोपोर्शनेट होगा। यहां पे मैंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना के दिया, इस क्वेश्चन को अगर आप
देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का 6C इलेक्टिव पेपर है उनको तो ये क्वेश्चन बहुत ढंग से करना है, बट जिन लोगों का पेपर नंबर 7 है वो इस कंसेप्ट को एक बार छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चलते, एक सेक्शन होती है 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन है जिसने मान लो सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी तो उसको कुछ भी पैसा मिलता है सर्विस खत्म होने के बाद भी, तो वो पैसा भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। आई कैन टेक एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने जॉब इंडिया में की थी और वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद मान लो वो मालदीव्स में शिफ्ट हो गया और वहां पे उसको पेंशन मिल रही है तो भी वो पेंशन इंडिया में टैक्सेबल होगी बिकॉज उसने सर्विस जो रेंडर्ड की थी वो सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। अगर गवर्नमेंट से कोई भी सैलरी मिलेगी वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। एग्जांपल के लिए आपको पता है यूएस में है वो हमारे इंडियन एम्बेसी है और यूएस में इंडियन एम्बेसी में हमारे जो आईएफएस के लोग हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, वो वहां पे काम करते हैं तो उनको सैलरी कहां कौन देता है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट देती है। तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो उनको सैलरी देती है तो वो सैलरी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, उन लोगों को जो भी परक्यूजिट मिलते हैं या अलाउंसेस मिलते हैं वो पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं एज पर सेक्शन 10(7) के हिसाब से जो भी मिलेंगे या अलाउंसेस मिलेंगे वो पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट बाकी जो भी लाइक सैलरी वगैरह मिलती है वो टैक्सेबल होगी और वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। एक और चीज समझना, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड वगैरह मिलता है ना वो हमेशा डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक कांसेप्ट आता है वेरी इंटरेस्टिंग, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 5 आता है, उसके बाद क्लॉज नंबर 6 है और उसके बाद क्लॉज नंबर 7 है। तीनों जो क्लॉज है वो सिमिलर क्लॉज है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक बात समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, जैसे एक नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन रेजिडेंट का नाम है मान लो लोबो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और ये लोबो जो है ना ये यूएसए का बंदा है, इसने क्या किया मान लो इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया लोबो ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंटरेस्ट पे किया। एक चीज ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट लोगों के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मींस यहां पे उसने गवर्नमेंट को लोन दिया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया, ये इंटरेस्ट इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर लोगों ने इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया, रेजिडेंट पर्सन में एग्जाम्पल ले लेते हैं बीबी वर्चुअल को, उसने बीबी वर्चुअल को लोन दिया और हम अगर उसको इंटरेस्ट देंगे ना वो इंटरेस्ट भी लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोगों के लिए और वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि ये जो रेजिडेंट पर्सन है बीबी वर्चुअल, इन्होंने उस पैसे को इंडिया के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया। यहां बीबी वर्चुअल ने वो पैसे को इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया तो उस केस में ये इंटरेस्ट जो भी हम इसको देंगे वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरा पार्ट, अगर लोगों ने क्या किया, लोन दिया, वो लोन किसी नॉन रेजिडेंट को दिया, एक बंदा है जिसका नाम है होबो और होबो जो है वो दुबई का बंदा है। अगर यहां पर लोगों ने होबो को लोन दिया और बेटा होबो ने वो पैसा अगर इंडियन किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ है, इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उन्होंने यूज किया तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। देखो तीन चीजें समझने की कोशिश करना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसने लोन दिया, लोन किसको दिया वो देखना, पहले गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया, रेजिडेंट पर्सन से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन रेजिडेंट पर्सन ने अगर वो पैसा है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज, अगर एक नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और दूसरे नॉन रेजिडेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने वो पैसा है वो किसी इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट यह आता है कि इस नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया लेकिन इस दूसरे नॉन रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडियन अगर बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर इस नॉन रेजिडेंट ने कहीं इंडियन कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लिए तो उस केस में इंडियन बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं हुआ तो उस केस में ये इंटरेस्ट है वो इसके हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और उसी को मैंने एग्जांपल के फॉर्म में यहां दे रखा है। देखिए,
If a non-resident A borrow money from non-resident B and invest in the shares of Indian company, तो यहाँ Indian business and profession में use नहीं हुआ है, तो उस case में ये not deemed to be accrued or arising in India नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मैं example लेता हूँ, एक company है जिसका नाम है HSBC Hong Kong, तो HSBC Hong Kong है वो उनका head office और India में HSBC की branch है, HSBC की branch India में। अब एक बात समझना, जो HSBC है उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसा है वो अपनी ब्रांच को दिया, अब ब्रांच यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, ब्रांच यहां पे इंटरेस्ट दे रही है, तो क्वेश्चन यहां पे ही आता है, ब्रांच जब इंटरेस्ट दे रही है एचएसबीसी हांगकांग को, तो क्या ये हांगकांग एचएसबीसी हांगकांग के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा या नहीं? ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रांच और हम तो एक ही है ना, ब्रांच और हम तो एक ही है, तो हमको ही थोड़ी इंटरेस्ट दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नहीं, अगर कोई ब्रांच है वो ब्रांच अपनी होल्डिंग कंपनी को इंटरेस्ट दे रही है, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, मींस ये दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे और जो भी इनकम है वो इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट इस एचएसबीसी हांगकांग के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक कांसेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द रॉयल्टी एंड एफटीएस। अब एक चीज समझना, रॉयल्टी एफटीएस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो रॉयल्टी होता क्या है, तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि भैया अगर मान लो आप कोई भी ऐसी इंटेंजिबल असेट्स वगैरह ट्रांसफर करते हो, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। यहां पे रॉयल्टी की एक बड़ी सारी डेफिनेशन दे रखी है और डेफिनेशन में दे रखा है, पहले ही बोला है कि अगर कोई भी मान लो आपने कुछ चीज ट्रांसफर की और वो कैपिटल गेन में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, तो वो रॉयल्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, उसको रॉयल्टी नहीं बोला जाएगा। बट बाकी सब चीजें वो रॉयल्टी में आएगी, क्या क्या, या तो ट्रांसफर करते हैं एनी राइट इंक्लूडिंग ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस दे देते हो, किससे, पेटेंट इन्वेंशन मॉडल डिजाइन सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस ट्रेडमार्क और सिमिलर प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, किसी को ट्रांसफर करते हो या उसका राइट देते हो, और अगर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो रहा तो उसको रॉयल्टी बोला जाएगा। दूसरा, इंपार्टिंग द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग ऑफ द यूज ऑफ द पेटेंट, ये पेटेंट यूज कैसे होगा उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो और उसका पैसा लेते हो, या फिर उसको यूज कैसे करना है करके, ठीक है, उसके लिए आप कुछ पैसा लेते हो, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो जो टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल की कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए कुछ पैसा मिलता है, या फिर आप कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट किसी को देते हो, मींस यहां पे आप प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहे हो, किसी को यूज करने दे रहे हो, उसका जो पैसा मिलता है वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा। एज वेल एज द अगर आपका कोई कॉपीराइट लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क है वो किसी को अगर आप देते हो, उसके जो एनी या ऑल राइट ट्रांसफर करते हो, उसका जो पैसा मिलता है वो भी तुम्हारे रॉयल्टी में आएगा। एज वेल एज द अगर आप मान लो कोई भी मूवी के एग्जीबिशन का राइट वगैरह देते हो, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी रॉयल्टी में आएगा। पहले ये नहीं आता था लेकिन यहां पे इसको हटा दिया है, अब उसको रॉयल्टी में ले लेंगे करके, ठीक है। या फिर यहां पे जो ऊपर जो भी दे रखा है उससे रिलेटेड कोई सर्विस रेंडर करते हो तो वो भी रॉयल्टी में आएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे रॉयल्टी के केस में कैसे डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है समझने की कोशिश करना। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, इस नॉन रेजिडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं, हमारे एग्जांपल में था लोबो। अब एक बात समझना, लोबो ने क्या किया, अगर यह कोई सर्विस है वो अपनी गवर्नमेंट को दी, अपनी गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट से कोई रॉयल्टी एफटीएस मिलता है, रॉयल्टी एफटीएस मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोबो के लिए और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, लोबो ने क्या किया, ये सर्विस किसी रेजिडेंट पर्सन को दी और रेजिडेंट पर्सन में एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं बीबी वर्चुअल को दी, तो बीबी वर्चुअल जो भी रॉयल्टी देगा वो रॉयल्टी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, किसके लिए, लोबो के लिए। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यह है कि यहां बीबी वर्चुअल ने वो वाली जो सर्विस है वो इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हुआ या इंडिया के बाहर कोई सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हुआ, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, यहां पे लोगों ने वो सर्विस दिया, वो किसको दिया, बीबी वर्चुअल को, रेजिडेंट पर्सन को, बट हमने क्या किया, इसको इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। यहां पर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया एज वेल एज द एनी इनकम ऑफ एनी सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया भी मैं साथ में बोल रहा हूं, मीन्स अगर इन्होंने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए यूज किया, तो फिर डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर यहां पे लोबो ने ये सर्विस दी किसी नॉन रेजिडेंट को दी जिसका नाम है होबो, तो यहां पे अगर होबो को दिया और होबो जो है वो इसको रॉयल्टी एफटीएस का पैसा देता है, तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तब माना जाएगा जब होबो ने वो वाली सर्विस इंडिया के किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज की है या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज की है, इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है या इंडिया में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज की है, तो उस केस में गाइस वो इसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट में क्या था, पता है,
इंटरेस्ट में क्या था कि यहां पे ये जो है वो ओनली बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो लोन यूज करता था पैसा, तो ही डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया था। लेकिन यहां रॉयल्टी एफटीएस में क्या है, अगर इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होता है या इंडिया में किसी भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज होता है तो उस केस में वो लोगों के हाथ में डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को इंडियन गवर्नमेंट से रॉयल्टी एफटीएस मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। बट गाइस यहां पे एक एक्सेप्शन है कि वो रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है या इंडिया के बाहर का कोई बिजनेस का सोर्स का कोई भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया है तो उस केस में वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। एक नॉन रेजिडेंट को दूसरे नॉन रेजिडेंट से रॉयल्टी एफटीएस मिलता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो सर्विस है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाई है या इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज हुई है तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद में यहां पे एक कंसेप्ट ये आता है कि सर एक बड़ा सा सिंपल सा गवर्नमेंट का एक नोट। पहली चीज तो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब भी आप ट्रांसफर करते हो उसका जो भी पैसा मिलेगा वो हमेशा रॉयल्टी माना जाता है। इसका एक नोटिफिकेशन ये बोलता है, ये नोटिफिकेशन ये बोलता है कि भैया अगर मान लो आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा लेकिन वो रीसेल में खरीदा है, मीन्स आगे वाले बंदे ने आगे से खरीदा था, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, और आगे वाला पर्सन है वो आपको एक डिक्लेरेशन दे देता है कि भैया उसने जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा था तो आगे वाले पर्सन का टीडीएस काट चुका है अंडर सेक्शन 195 और 194J, तो उस केस में आप जब रीसेल में उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हो तो उस केस में आपको उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये एफटीएस एकदम सेम ऐसा का ऐसा जैसा रॉयल्टी लिखा हुआ है वैसा का वैसा ये एफटीएस में आ जाएगा। एफटीएस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई मैनेजरियल सर्विस देता है, टेक्निकल सर्विस देता है, कंसल्टेंसी सर्विस देता है, तो मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस है वो आपकी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में आ जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे अगर कोई सैलरी एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का सर्विस जो है वो तुम्हारे एफटीएस में नहीं आता है करके। उसके बाद में एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 91 क्लॉज नंबर 8। ये क्लॉज ये बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है वो इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को कुछ मनी गिफ्ट कर देता है, इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को कोई रेजिडेंट पर्सन मनी गिफ्ट देता है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए जो मनी है ना वो 56210 में टैक्सेबल हो जाएगा और वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इंडिया के बाहर अगर मनी गिफ्ट मिला किसी नॉन रेजिडेंट को तो नॉन रेजिडेंट बोलता है ये इंडियन इनकम तो आई नहीं, इन्होंने बोला ये डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर रिलेटिव ने दिया तो ऑब्वियसली रिलेटिव ने रिलेटिव को दिया तो वो तो 56210 में नहीं आता क्योंकि वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आ जाता है, उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 9A। सेक्शन 9A जो है ना इसको एक बार आप सिर्फ रीड करके छोड़ देना करके, ठीक है, नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर फॉरेन का कोई फंड है और फॉरेन के बहुत सारे फंड होते हैं करके, ठीक है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन का कोई फंड है और उन्होंने क्या किया, इंडिया में किसी फंड मैनेजर को अपॉइंट किया, इंडिया में फंड मैनेजर को अपॉइंट किया, मींस फॉरेन फंड है और फॉरेन फंड का इंडिया में फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजर का इंडिया में होना विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस कनेक्शन, इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। मींस फॉरेन के फंड का फंड मैनेजर इंडिया में लोकेटेड होना, इंडिया में होना और फंड मैनेजर इंडिया में है और इंडिया से वो फंड को मैनेज कर रहा है तो उस केस में यह बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो यह बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है, the fund manager activity carried out through a eligible fund manager acting on behalf of fund shall not be constitute the business connection in India of that fund, iska koi business connection in India nahi mana jayega. You got my point or not? Yes. To India mein hona wo business connection nahi mana jayega, lekin yahan pe kuch condition de rakhi hai ki investment fund mein kya kya cheeze condition satisfied honi chahiye, fund manager ke liye kya kya cheeze condition satisfied honi chahiye, lambi chaudi ye section hai, aap isko ek bar read karoge to kafi ho jayega. To yahan pe aapka complete ho jata hai section 9A aur अब अपन चालू कर रहे हैं कुछ एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड सेक्शंस। अब अपन बात कर रहे हैं एग्जेम्प्ट इनकम की, तो देखिए किस किस के लिए कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहले यहां पे तीन कॉलम है, सबसे पहले कॉलम में सेक्शन दे रखी है, सेकंड कॉलम में इनकम दे रखी है, थर्ड है एलिजिबल एसएससी, मींस कौन से एसएससी के लिए इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी पर्सन है वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है एज पर द फेमा एक्ट, फेमा एक्ट के हिसाब से इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसको आरबीआई ने परमिशन देके कोई भी एनआरई अकाउंट खोलने का परमिशन दिया, एनआरई मीन्स नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे जो भी आपका इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो एनआरई अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक एनआरई अकाउंट एक एनआरओ अकाउंट, तो जो एनआरओ अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट होता है, एनआरओ अकाउंट में जो अर्निंग आती है ना वो इंडियन अर्निंग आती है, बट
ऑर्डिनरी अकाउंट ऐसा होता है जिसमें आप फॉरेन में पैसा कमाते हो, वही वाला पैसा आप डिपॉजिट करा सकते हो, फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किसको? अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट एज पर द फेम एक्ट, या कोई पर्सन को आरबीआई ने परमिट किया है ये अकाउंट खोलने के लिए, तो उसको जो भी एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट रहेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन है, दैट सेक्शन इज 10 एंड क्लॉज नंबर 4C। अब ये 10(4C) क्या बोलता है समझने की कोशिश करना, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इनकम होती है, कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है या तो इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट। और किस पे ये इंटरेस्ट दे रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू ऑफ द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 194 LC ड्यूरिंग द पीरियड 17 सितंबर 2018 से लेके और 31 मार्च 2019 के बीच में। अब एक बात समझना, हुआ क्या कि जो भी इंडियन कंपनीज है एज वेल एज द बिजनेस ट्रस्ट है, उनको बोला कि आप आरडीबी इशू करिए, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इशू करिए। और इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर इशू हुआ था, 17 सितंबर 2018 इज अवर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, तो 17 सितंबर 2018 से लेकर और 31 मार्च 2019 के बीच में इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर इशू हुआ था, तो इंटरेस्ट जो भी मिलता रहेगा ना लाइफ टाइम इस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, वो इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उसने क्या किया था, इंडियन कंपनी का या बिजनेस ट्रस्ट का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड सब्सक्राइब किया था, और वो जो इशू हुए थे वो बॉन्ड्स इस पर्टिकुलर पीरियड में हुए थे 17 सितंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में, तो जो भी उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इंटरेस्ट हमेशा के लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ऑलवेज वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और सेक्शन है, दैट इज द 10(4D, और ये 10(4D की जो सेक्शन है वो लास्ट ईयर ही आई थी। अब ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड फंड है, बट क्वेश्चन ये आता है स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, अभी मैं बताता हूं, बट स्पेसिफाइड फंड को है ना कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होगी, यहां पे चार इनकम दे रखी है, चार इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी। सर कौन कौन सी चार इनकम? सबसे पहले अगर स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द असेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7AB, और ये 47 का क्लॉज नंबर 7AB है, ये आप देखोगे कैपिटल गेन टॉपिक में, और कैपिटल गेन टॉपिक में यहां पे 47 का क्लॉज नंबर 7AB दे रखा है कि IFSC में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बेच देते हो, या फिर आप क्या बोलते हो उसको डेरिवेटिव्स बेच देते हो, या फिर आपके फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर्स बेच देते हो वगैरह, वहां पे कुछ लिस्ट दे रखी है कि ये असेट्स अगर आप बेच देते हो तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं लगता। यहां पे इन्होंने बोला कि स्पेसिफाइड फंड अगर ये ट्रांसफर कर लेता है तो उस पे कोई भी कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, मींस ये इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, जो है वहां पे तो ये दे रखा था कि कोई भी पर्सन अगर जो है जैसे इंडिविजुअल वगैरह है, वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट अगर ट्रांसफर करता है तो उस केस में उसको कैपिटल गेन नहीं लगता। यहां पे एग्जेम्प्शन दे रखी है स्पेसिफाइड फंड को, कि स्पेसिफाइड फंड क्या करता है कि 47 क्लॉज नंबर 7AB में जो भी असेट्स दे रखी है उनको अगर ट्रांसफर कर रहा है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC एंड कंसीडरेशन पेड और in the foreign currency, तो उस पे कोई भी capital gain tax है वो नहीं लगेगा, वो पूरा exempt हो जाएगा specified fund के हाथ में। दूसरा, अगर specified fund को capital gain होता है किस पे, on the transfer of any security other than shares of the company resident in India, जो Indian resident company है उसको छोड़ के, Indian resident company है उसको छोड़ के किसी भी company के शेयर या सिक्योरिटी अगर बेची जाती है और उस पे जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, एनी इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटी इशू की थी और नॉन रेजिडेंट की सिक्योरिटी पे कोई भी इनकम होती है, इनकम का मतलब यहां पे हो गया डिविडेंड और इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, नॉट बींग अ पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में पी नहीं है, उसने कोई भी सिक्योरिटी वगैरह इशू की थी उस पर कोई भी इनकम होती है वो इनकम एग्जेम्प्ट है। एंड इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चार्जेबल अंडर द हेड PGBP, जो PGBP हेड की अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो इनकम होती है स्पेसिफाइड फंड को, तो वो स्पेसिफाइड फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो समझने की कोशिश करना, यहां पर स्पेसिफाइड फंड है और स्पेसिफाइड फंड को चार तरह की इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। सर कौन सी चार तरह की इनकम? सबसे पहली चीज, तो अगर स्पेसिफाइड फंड है वो स्पेसिफाइड फंड को कैपिटल गेन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी, विच सिक्योरिटी, दैट इज रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7AB, वहां पे 6-7 की लिस्ट दे रखी है, वो वाली सिक्योरिटी अगर वो ट्रांसफर करते हैं उस पर कैपिटल गेन होगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज IFSC में लोकेटेड है वहां पर ट्रांसफर करते। दूसरा, अगर कोई भी दूसरी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर, अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर, जो इंडिया में रेजिडेंट कंपनी है उसको, मतलब इंडियन कंपनी के शेयर को छोड़ के बाकी कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं उस पर कैपिटल गेन होगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरा,
मैंने बोला कि कोई भी इनकम होती है जो नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इश्यू की थी उस पे इनकम होती है, नॉन रेजिडेंट ने मींस फॉरेन कंपनी के कोई डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह है उस पे कोई भी अगर इनकम होती है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मींस इंडियन कंपनी वगैरह ने अगर कोई सिक्योरिटी इशू की थी तो उस पे जो इनकम होगी वो टैक्सेबल हो गया। मैंने क्या बोला कि एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी इशूड बाय द नॉन रेजिडेंट वो वाली जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो पीजीबीपी हेड में जो चार्जेबल होता है इनकम वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा किसके लिए, स्पेसिफिक फंड के लिए। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है, स्पेसिफाइड फंड की चार इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है? पहला तो कैपिटल गेन होता है वो वाली सिक्योरिटी पे जो कि सेक्शन 47 के क्लॉज नंबर 7AB में नोटिफाई की हुई है। दूसरा, अगर उनको कैपिटल गेन होता है किसी भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर करने पे अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर, अगर उनको कोई इनकम होती है किसी भी नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटी इश्यू की थी उस पे इनकम होती है, या फिर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम मिलती है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी किसके हाथ में, स्पेसिफाइड फंड के हाथ में। बट आपका क्वेश्चन ये होगा स्पेसिफाइड फंड होता क्या है? स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है, मैं यहां पे आपको शॉर्ट में बता देता हूं, स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर 3। जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर 3 होता है, और ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहां पे लोकेटेड होना चाहिए, आईएफएससी में लोकेटेड होना चाहिए, और इसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो सब नॉन रेजिडेंट होने चाहिए करके, ठीक है, जितने भी यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर सब क्या होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। तो आईएफएससी में लोकेटेड होना चाहिए अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 का, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, स्पॉन्सर और फंड मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट होल्डर है वो यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको हम स्पेसिफाइड फंड की कैटेगरी में ले लेंगे करके, ठीक है। तो देखिए अब एक बात समझना, यहां पे मैं बताता हूं स्पेसिफाइड फंड का डेफिनेशन दे रखा है। तो स्पेसिफाइड फंड किसको बोलेंगे? तो स्पेसिफाइड फंड मींस ऐसा फंड एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट है, कंपनी है, या फिर एलएलबी, बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी फॉर्म में है, व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैटेगरी 3 ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। सेकेंड कंडीशन, विच इज लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड ऑफ विच ऑल द यूनिट अदर देन द यूनिट हेल्ड बाई स्पॉन्सर एंड मैनेजर को छोड़ के, स्पॉन्सर एंड फंड मैनेजर को छोड़ के बाकी जो भी यूनिट है वो नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर होना चाहिए उसको स्पेसिफाइड फंड बोलेंगे। लेकिन एक बात समझना, इस बार से इन्होंने एक अमेंडमेंट किया, इन्होंने बोला कि भैया स्पेसिफाइड फंड में एक तो ये तो आएगा ही अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 वाला, इसके साथ साथ में इन्होंने बोला कि इस बार द इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ऑफशोर्स बैंकिंग यूनिट, अगर मान लो कोई ओबीयू है, ओबीयू का मतलब फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक का कोई भी इन्वेस्टमेंट डिवीजन है और वो इन्वेस्टमेंट डिवीजन अगर आईएफएससी में लोकेटेड है तो वो भी तुम्हारे स्पेसिफाइड फंड की कैटेगरी में आ जाएगा, इस बार इन्होंने अमेंडमेंट किया। तो इन्होंने क्या बोला, देखो मींस इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ अ बैंकिंग यूनिट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट लोकेटेड इन आईएफएससी एज रेफर्ड इन द सेक्शन 80LA and which has a commenced its operation on or before 31st March 2024 से पहले उसको अपने operation चालू करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं investment division of offshore banking unit, but question यहाँ था investment division of offshore banking unit होता क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने उसको definition दे रखी है, investment division of the offshore banking unit which has been a granted a certificate of registration as category 1 of the foreign portfolio investor का उसके पास में certificate है under SEBI FPI regulation 2019 under the SEBI act 1992 and उसने भी अपना operation चालू किया है 31st March 2024 तक and fulfill all other condition as may be notified, और भी कोई notified करते हैं, prescribe करते हैं, वो सब condition उसको satisfied करनी पड़ेगी। तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आप ये बोलेंगे specified fund में कौन-कौन आता है, तो specified fund में कौन-कौन आता है, दो लोग आते हैं, एक तो तुम्हारा alternate investment fund category 3 वाला, और एक तुम्हारा अगर कोई भी OBU है, offshore banking unit है, उसका जो investment division है, जो IFSC में located है, वो भी तुम्हारे specified fund में आ जाएगा। और specified fund की ये जो चार इनकम होती है ना, ये चार इनकम क्या हो जाएगी, exempt हो जाएगी, चार इनकम क्या हो जाएगी, exempt हो जाएगी, बाकी वाली इनकम टैक्सेबल होगी। अब एक चीज समझना, ये जो स्पेसिफाइड फंड होता है ना, इस स्पेसिफाइड फंड से जो भी यूनिट होल्डर को इनकम मिलती है वो यूनिट होल्डर के हाथ में पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये स्पेसिफाइड फंड के हाथ में ये चार इनकम एग्जेम्प्ट है, बाकी वाली इनकम टैक्सेबल होगी। और बाकी वाली इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी मैं आपको 115AD सेक्शन में बताऊंगा, बाकी वाली इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगी मैं वो आपको सेक्शन 115AD में बताऊंगा। बट मैं बता दूं ये चार इनकम को छोड़ के बाकी वाली इनकम टैक्सेबल होती है वो कौन सी रेट से होती है वो मैं आपको सेक्शन 115AD में बताऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये स्पेसिफाइड फंड से जो भी यूनिट होल्डर को इनकम मिलेगा ना वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये दे रखा है सेक्शन 1023 FCA में। और 1023 FCA क्या बोलता है,
कि अगर कोई यूनिट होल्डर है स्पेसिफाइड फंड का, एनी इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, या तो आपको इनकम होती है या फिर ऑन द ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड, मींस या तो इनकम मिलती है आपको वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसके साथ साथ में एनी इनकम मींस इनकम मिल रही है, या फिर आपने स्पेसिफाइड फंड के यूनिट ट्रांसफर कर दी उससे जो कैपिटल गेन होता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, यहां पे आपको जो इनकम होती है वो इनकम भी एग्जेम्प्ट होती है, और अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसको? स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर को। यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि एक बात बताइए, यहां पे स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफाइड फंड मींस ऐसा कोई भी ट्रस्ट है, कंपनी है, एलएलपी है, बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 का लाइसेंस है। दूसरी कंडीशन यह है कि वो आईएफएससी में लोकेटेड है, और तीसरी कंडीशन यह है कि उसके जितने भी यूनिट है वो यूनिट होल्डर जो है वो आपके नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, इस पे स्पॉन्सर मैनेजर को आप छोड़ दीजिए, स्पॉन्सर मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। अब एक चीज समझना, यहां पे यूनिट होल्डर जितने भी है वो नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, लेकिन यहां पे एक नोट दे रखा है। ये नोट क्या बोलता है कि अगर यूनिट होल्डर पहले नॉन रेजिडेंट तो था, लेकिन हो सकता है ना इस साल मान लो रेजिडेंट बन गया, मींस जब उसने यूनिट खरीदी थी उस टाइम तो वो नॉन रेजिडेंट था लेकिन अभी वो रेजिडेंट बन गया, तो क्या होगा सर, वो स्पेसिफाइड फंड में आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पे एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट ये बोलता है कि ये जो कंडीशन है स्पेसिफाइड सी में ये अप्लाई नहीं होगी अगर यूनिट होल्डर है वो नॉन रेजिडेंट था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच यूनिट वर इशूड। जब यूनिट इशू की थी तब तो वो नॉन रेजिडेंट था लेकिन उसके बाद में वो रेजिडेंट बन गया एज पर सेक्शन 61 और 61A। 61 मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, 61A मींस डीम्ड रेजिडेंट बन गया इंडिया का इन प्रीवियस ईयर सबसिक्वेंट टू दैट प्रीवियस ईयर, अगले साल जाके किसी और प्रीवियस ईयर में वो जाके अगर मान लो रेजिडेंट बन गया, एंड उसके साथ में एग्रीगेट वैल्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड बाय सच रेजिडेंट यूनिट होल्डर और होल्डर डू नॉट एक्सीड द 5% ऑफ टोटल यूनिट इशूड एंड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और एक चीज समझना, यहां कंडीशन क्या डाली कि यूनिट होल्डर हु बिकेम द रेजिडेंट ड्यूरिंग द एनी सबसिक्वेंट प्रीवियस ईयर शैल सीज टू बी अ यूनिट होल्डर ऑफ सच स्पेसिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ही बिकेम द रेजिडेंट। तो देखो बेटा यहां पर यह क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है कि पहले अगर कोई भी पर्सन था जो यूनिट होल्डर था और वो नॉन रेजिडेंट था और वो नॉन रेजिडेंट था तब उसको स्पेसिफाइड फंड ने यूनिट है वो अलॉट की थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो बंदा रेजिडेंट बन गया, तो रेजिडेंट बन गया तो ये कंडीशन तो वायलेट हो गई। इन्होंने बोला डोंट वरी, ये कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगी अगर उस रेजिडेंट बनाना उस यूनिट होल्डर के पास में टोटल यूनिट्स की 5% से ज्यादा यूनिट नहीं होनी चाहिए। एंड एक चीज समझना, जिस ईयर में रेजिडेंट बना उस प्रीवियस ईयर के एंड से 3 months के अंदर अंदर उसको अपनी यूनिट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, मींस जिस प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट बना उस प्रीवियस ईयर के एंड से 3 months के अंदर अंदर उसको अपनी यूनिट से उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है तो भैया यहां पर यह जो सी वाला पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 10(4)(e) करके। अब ये 10(4)(e) वाली जो सेक्शन है, अब इसको याद रह पाए तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को इनकम किससे होती है, इनकम ऑन द ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंटर्ड इनटू विद द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एन आईएफएससी व्हिच फुलफिल सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां पे अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उस नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है किससे, ट्रांसफर ऑफ द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, में नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं उससे कोई इनकम होती है, या फिर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स उसको ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर किसके साथ में करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और वो एंटर्ड इनटू द ओबीयू लोकेटेड इन आईएफएससी और उससे कोई इनकम होती है, तो वो इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रांसफर करता है, या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है, या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांसफर करता है एंटर्ड इनटू विद द ओबीयू ऑफ द आईएफएससी, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कोई भी इनकम नहीं होगी। अब यहां पे ये डेफिनेशन वाला पार्ट दे रखा है, ये आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की। नेक्स्ट सेक्शन 10(4)(f) करके, और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को इनकम हो रही है, नॉन रेजिडेंट ने किया पहले क्या है वो बता दूं, तो नॉन रेजिडेंट में आईएफएससी में लोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड किसी भी यूनिट को वहां से उसने शिप या एयरक्राफ्ट उसको लीज पे दिया है, उसको लीज पे दिया है और उसका जो भी रॉयल्टी या इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया है, एयरक्राफ्ट या शिप
किसी आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट को लीज पे दिया है तो उससे जो भी लीज रेंट मिलेगा, जो भी उसको, यहां पे बहुत सारी डीटीडब्ल्यू ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट बोला जाता है, रॉयल्टी बोला जाता है, तो उसको जो भी लीज रेंट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी और इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और शिप इन अ प्रीवियस ईयर पेड बाय यूनिट ऑफ आईएफएससी इफ द यूनिट हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन टिल 31 मार्च 2024। और एयरक्राफ्ट में क्या क्या आता है, एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, इंजन ऑफ हेलीकॉप्टर आएगा, इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट आएगा, और शिप में आपका जो ओशियन वेसल वगैरह है वो सब शिप में आ जाता है। तो नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, शिप या एयरक्राफ्ट है वो भाड़े पे दिया, तो उसका जो भी भाड़ा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट भाड़े पे किसको दिया, किसी यूनिट में, जो यूनिट का जो आईएफएससी में लोकेटेड है। अब एक बात समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया के आईएफएससी में लोकेटेड जो ओबीयू है, ओबीयू में एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, और वो क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, और पोर्टफोलियो मैनेज करने के से अगर कोई भी इनकम होती है किसको, जो नॉन रेजिडेंट को जो इनकम मिलेगी उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो इनकम कोई ऐसी इनकम है जो डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं है। तो एक बात समझते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है किससे, इनकम फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फंड मैनेज और एडमिनिस्टर्ड बाय द एनी पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी में लोकेटेड कहीं पे जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है। इन अकाउंट मेंटेन विद द ओबीयू, ओबीयू मींस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन आईएफएससी एज रेफर्ड इन सेक्शन 80LA टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड नॉट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वो वाली इनकम जो नॉन रेजिडेंट को मिलेगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉन रेजिडेंट है, उस बंदे का नाम है मिस्टर सैम। अब एक बात समझना, सैम ने क्या किया, आईएफएससी में लोकेटेड कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, मिस फॉरेन का कोई बैंक है मान लो, ठीक है, और फॉरेन का कोई बैंक है उसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, वो कहां पे है, ओबीयू में है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो आईएफएससी में है। अब आईएफएससी में लोकेटेड ओबीयू का जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन होता है उसमें उसने पैसा लगाया। अब एक बात समझना, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसने जो इनकम कमाई है वो इनकम मान लो इंडिया के बाहर से कमाई है, तो इंडिया के बाहर से कमाई और वही वाली इनकम जब नॉन रेजिडेंट को मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आईएफएससी को प्रमोट करने के लिए, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उसको प्रमोट करने के लिए ये सब चीजों की एग्जेम्प्शन लाई गई है। तो यहां पर एक नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ऑन बिहाफ ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, और मैनेजर जो काम कर रहा है वो कहां पे, ओबीयू में कर रहा है करके, ठीक है, ओबीयू आईएफएससी में लोकेटेड जो ओबीयू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है उसको इनकम होती है, और वो इनकम जो है टू द एक्सटेंट सच इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड नॉट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो वो इनकम जब नॉन रेजिडेंट को मिलती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इन सिंपल वर्ड वापस बोल रहा हूं, एक सैम करके एक बंदा है जो नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया, ओबीयू में इन्वेस्ट किया जो आईएफएससी में लोकेटेड है, और ओबीयू ने उस पैसे को मान लो इंडिया के बाहर लगाया है, और इंडिया के बाहर लगाया और वो वाली जो इनकम है वो जब इसको मिल रही है नॉन रेजिडेंट को, तो उस पे इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द सेक्शन 1015 का क्लॉज नंबर 9। अब यहां सेक्शन याद रहे ना रहे, कंसेप्ट याद रखने की थोड़ी बहुत कोशिश करना। अब एक बात समझता है, यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, पैसा उधार दिया है किसी भी यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी को, मीन्स आईएफएससी में लोकेटेड कोई भी यूनिट है और उसको पैसा उधार दिया है, तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना वो इंटरेस्ट उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ने क्या किया है, आईएफएससी में लोकेटेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड कोई पर्सन है उसको पैसा उधार दिया है, मीन्स उसने मनी बोरो किया और उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019, तो उसके बाद में जो मनी बोरो हुआ है वो पूरा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा नॉन रेजिडेंट के हाथ में। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन आती है सेक्शन 10 सब सेक्शन क्लॉज नंबर 6 और सब क्लॉज 2 करके। अब ये सेक्शन क्या बोलती है, बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इजीली आप समझ जाओगे। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी फॉरेन की एम्बेसीज इंडिया में है, जैसे मैं मुंबई में बात करूं तो मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो बीकेसी है वहां पे यूएस एम्बेसी है। तो यूएस एम्बेसी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया में काम करते हैं, मींस वो फॉरेन के यूएस के सिटीजन है और वो इंडिया में काम करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, तो उनको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए ना, क्योंकि वो 365 डेज इंडिया में ही बैठे हैं, वो रेजिडेंट बन गए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए, तो उनकी तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, बट लॉ मेकर्स बोलते हैं उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लेंगे। तो जो भी फॉरेन के
जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स है या फिर कॉन्सुलेट है उनके जो स्टाफ है उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है वो रेम्यूनरेशन इंडिया में जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। यहां पे देखो नॉन रेजिडेंट वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे सिर्फ बोला इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल है, वो इंडिया में रह रहा है तो वो रेजिडेंट तो बन गया, बट तो भी यहां पे एग्जेम्प्शन मिलेगी। वो रेजिडेंट ऐसा नहीं है कि ये जो मैं आपको लिस्ट पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट को ही मिलती है, ऊपर जहां पे भी दे रखा था वो मोस्टली नॉन रेजिडेंट था, बट यहां पे बेटा बात समझना ये इंडिविजुअल है, ये रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है, ये नॉन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि भाई जिस कंट्री का वो पर्सन है, जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है, उस कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेट्स है उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। जो हमारे डिप्लोमेट्स उस कंट्री में काम करते हैं उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि ये जो पर्सन यहाँ पे है इंडिया में, वो पर्सन इंडिया में और कोई बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो फॉरेन डिप्लोमेट से इंडिया में काम करता है, फॉरेन कॉन्सुलेट है, और वो इंडिया में काम करता है, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन है वो दो, पहली कंडीशन तो वो जिस कंट्री का है उस कंट्री में जो हमारे लोग है उनको जो वहां रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से, और दूसरी कंडीशन वो इंडिया में और कोई बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज नहीं है। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो पर्सन भी नॉट बीइंग इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर मान लो कोई फॉरेन एंटरप्राइज का कोई बंदा है और वो इंडिया में किसी बिजनेस पर्पस के लिए आता है, कोई फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय वो इंडिया में किसी बिजनेस पर्पस के लिए आता है और इंडिया में जो उसका टोटल स्टे है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई कैन टेक एग्जाम्पल, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट करके जो है वो यूएस का कंपनी है। अब वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने दो एम्प्लॉय को इंडिया भेजा के जाके देख के आओ कि यहाँ पे बिग बाजार कैसे चलता है, यहाँ पे डी मार्ट कैसे चलता है। तो वो आए यहाँ पे दो एम्प्लॉय और यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 60 डेज के लिए वो इंडिया में रहे, 60-70 डेज के लिए वो इंडिया में रहे और उसके बाद वो वापस चले गए। तो जब वो इंडिया में थे तब भी तो उनको फॉरन कंपनी से सैलरी मिल रहा था वॉलमार्ट से, आंसर इज यस। तो क्वेश्चन ही आता है क्या ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, आंसर इज नो, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, एक बात समझना, अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो सैलरी एम्प्लॉय है, जो फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है वो इंडिया में आता है, तो उसको जो भी सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, मींस दैट फॉरेन एंटरप्राइज नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, मींस वॉलमार्ट का अभी तक बिजनेस प्रोफेशन नहीं है। दूसरी कंडीशन, वो एम्प्लॉय का टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, जो भी उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कहीं डिडक्शन नहीं लिया हो, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में उसको कहीं पे भी डिडक्शन नहीं लिया हो, अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो भी रेम्यूनरेशन उस एम्प्लॉय को मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन ये बोलती है कि बहुत बार कोई इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट एंड हु इज नॉन सिटीजन ऑफ, यहां नॉन रेजिडेंट के साथ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सैलरी एम्प्लॉय है, वो क्या करता है फॉरेन शिप पे काम करता है, और फॉरेन शिप पे अगर काम करता है और इंडिया में उसका टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं है, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। जैसे फॉरेन की शिप है वो इंडियन पोर्ट पे आती है, और इंडियन पोर्ट पे आती है तो बहुत बार ऐसा रहता है 20 डेज 30 डेज, 1-1 मंथ, 2-2 मंथ तक वो यहीं पे पड़ी रहती है, ये इंडियन पोर्ट पे पड़ी रहती है। तो क्वेश्चन ही आता है कि उनके एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी तो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी, क्योंकि वो इंडिया में है और तब सैलरी मिल रही है, बट ये टैक्सेबल नहीं होगा अगर उसका टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद एक बात बताऊं, ये वाली सेक्शन करके, ठीक है, और ये वाली सेक्शन, हाँ ये जो तीन सेक्शन है ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी काम की है नहीं ज्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, उसने क्या किया था, कोई टेक्निकल सर्विस दी थी, और टेक्निकल सर्विस किसको दी है, एनटीआरओ को। एनटीआरओ का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनटीआरओ, और एनटीआरओ को कोई भी ऐसे टेक्निकल सर्विस दी किसने, किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने, तो उसको जो भी रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगा ना वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो उन्होंने कोई सर्विस दी उसके लिए रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है, और वो सर्विस किसको दी है, एनटीआरओ को दी है, ये गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर कोई सर्विस दी है तो उससे जो भी इनको गवर्नमेंट से जो भी मिलता होगा रॉयल्टी एफटीएस वो पूरा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए अब ये थोड़ा ध्यान रखना और इसको समझने की कोशिश करना। अब एक बात समझता है, यहां पे कुछ सेक्शन है 1048 की सीरीज में, और 1048 है, उसके बाद 1048A है, 1048B है, 1048C है, 1048D है, 1048E है, और ये दो सेक्शन तो इसी साल आई है, 1048A सॉरी D और E वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं 1048 की। 1048 क्या बोलती है बताएं,
कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल सेल करती है, मतलब क्रूड ऑयल के बिजनेस में है, और वो क्या करती है, इंडिया में किसी को क्रूड ऑयल सेल करती है और इंडिया में आके और इंडियन करेंसी में पैसा कलेक्ट करती है, तो जो इनकम होगी ना वो पूरी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इंडिया में आके और इंडियन करेंसी में अगर वो पैसा जो है वो पैसा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में उनकी जो इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को बोला था कि आप क्रूड ऑयल बेचते हो, अगर आप इंडिया में आके इंडियन करेंसी ले जाते हो करके, ठीक है, तो उस केस में लाइक हम आपको आपसे ऑयल खरीदेंगे एंड ऑल, उनके साथ में ऐसे अग्रीमेंट हुए थे जो फॉरेन की जो ऑयल वाली कंपनी थी उनके साथ में, तो उनको फॉरेन कंपनी को इंडिया में आते हैं और इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करते हैं और इंडिया से पैसा कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में और इंडियन करेंसी में कलेक्ट करते हैं तो जो भी इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंडिया में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन द इंडियन करेंसी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन द इंडियन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल और एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ and foreign company and agreement should be notified by the central government in the national interest, यहाँ पे central government है वो agreement को notify करेगी। तो कोई भी foreign company है जो crude oil को sell करती है वो क्या करती है, India में आती है और इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करती है और इंडिया में पैसा अगर इंडियन करेंसी में कलेक्ट करती है तो जो भी इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक बात समझना, इंडिया नेक्स्ट सेक्शन 1048 है, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी जो फॉरेन की जो ऑयल वाली कंपनी है ना उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो इनको बोला इंडिया में कि इंडिया में आके आप एक काम करिए, इंडिया में अपने पास लैंड ही लैंड है तो आप एक काम करिए यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए, आप क्या करिए यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए और स्टोरेज आप अपनी ऑयल को यहाँ पे स्टोर करिए। तो उन फॉरेन कंपनी ने क्या किया कि इंडिया में ऑयल को स्टोर किया, गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया और वो स्टोरेज फैसिलिटी से उन्होंने अगर किसी रेजिडेंट को अगर यहाँ पे ऑयल बेचा और उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्टोरेज of crude oil means storage of crude oil facility in India and sale of crude oil therefrom to any person resident in India, किसी resident person को वो crude oil sale किया उससे जो भी income होगी वो पूरी exempt हो जाएगी, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, उस foreign company और central government के साथ में arrangement agreement होना चाहिए। अब एक बात समझना, next section ये बोली कि क्या वो agreement तो था उस फॉरेन कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि इंडिया में आके क्रूड ऑयल को स्टोर करो और उससे फिर सेल करो, लेकिन वो अग्रीमेंट खत्म हो गया। अब अग्रीमेंट जैसे ही एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका क्या होगा, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ना, या तो एग्रीमेंट खत्म हो गया, अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया, तो उसके बाद में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका क्या होगा, तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो अनसोल्ड या लेफ्ट ओवर स्टॉक है ना वो बेचा ना उससे जो इनकम होगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1048 बी। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ द क्रूड ऑयल फ्रॉम द फैसिलिटी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अग्रीमेंट और द अरेंजमेंट or in the termination of agreement or arrangement in accordance with the terms mentioned therein as the case may be subject to the such condition as may be notified। ab ek baat samajhna, ek section hai 1048c kya bolti hai ki india ki ek company hai jiska naam hai indian strategic petroleum reserve limited, ye government ki company hai ISPRL indian strategic petroleum reserve limited, ye company kya karti hai bataye कि जो भी क्रूड ऑयल आता है उस क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके और जो फैसिलिटी रहती है जहां क्रूड ऑयल स्टोरेज होता है वहां पे वो स्टोर करती है, मींस क्रूड ऑयल लाके और वापस से उस जो फिलिंग स्टेशन है जहां पे क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा स्टोर होता है वहां पे जाके और वो लोग क्या करते हैं उसको फिल करते हैं, तो उनकी जो इस एक्टिविटी से इनकम होती है वो इनकम पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम अरेंजमेंट फॉर द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल, रेप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जो आपका चेंज करना, मींस आपका क्रूड ऑयल खत्म हो गया फिर वापस से उसमें भरना, दैट इज कॉल्ड रेप्लेनिशमेंट एक्टिविटी, अगर वो ऐसा करते हैं उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम अरेंजमेंट फॉर रेप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन storage facility in pursuance of the direction of central government in this behalf, provided that nothing contained in this clause shall apply to the arrangement if the crude oil is not replenished in the storage facility within 3 years from the end of the financial year in which the crude oil was removed from the storage facility for the first time, मतलब जिस year में first time उसको remove किया था oil का उस year के end से 3 साल के अंदर अंदर जो है 3 years के अंदर अंदर है वो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा crude oil को fill करना पड़ेगा, तो उस case में ही ये exemption मिलेगी, otherwise ये exemption नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं यहां पे मैंने 4 एग्जेम्पशन पढ़ाई, 1048, 1048A, 1048B, 1048C। अब एक बात समझना, 1048 है वो सिर्फ फॉरेन कंपनी को मिलती है, वो क्या करती है इंडिया में क्रूड ऑयल सेल करते हैं और इंडिया में आके इंडियन करेंसी में पैसा कलेक्ट करते हैं, इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दूसरा, ये फॉरेन कंपनी क्या करती है, इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी है वो डालते हैं और इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी से फिर रेजिडेंट पर्सन को जो क्रूड ऑयल बेचते हैं उससे जो इनकम होगी वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 1048B क्या बोलती है, फॉरेन कंपनी क्या करती है अगर उनका अग्रीमेंट खत्म हो गया तो जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है उसको बेचने से जो इनकम होगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड 1048C क्या बोलती है कि अगर ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है जो कि
गवर्नमेंट कंपनी है करके, ठीक है, ए इनका काम है रेप्लेनिशमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल, तो ये जब रेप्लेनिशमेंट की एक्टिविटी करते हैं उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि भैया जिस ईयर में पहली बार क्रूड ऑयल उस फैसिलिटी से निकाला गया उस ईयर के एंड से 3 ईयर के अंदर अंदर इनको रेप्लेनिशमेंट करना पड़ेगा करके, ठीक है। एक सेक्शन है 1023 FE करके, और ये सेक्शन क्या बोलती है, हमारे मोदी जी को ये लगता है कि इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाए तो इंडिया डेवलप हो जाएगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे जो फॉरेन फंड्स है उसको बोल रहे हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, एक तो जो होली ओन सब्सिडरी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो अबू धाबी है उनके पास तो पैसा ही पैसा है करके, ठीक है, तो अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उनको बोला, एज वेल एज द बहुत सारे फॉरेन के जो सोवरेन वेल्थ फंड है उनको बोला, एंड बहुत सारे फॉरेन के पेंशन फंड है, जैसे इंडिया में एक पेंशन फंड है ना जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं या न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं, वैसे फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे पेंशन फंड है, फॉरेन कंट्री के सोवरेन वेल्थ फंड है, और ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो सब्सिडरी कंपनी है इनको बोला कि आप इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, इंडियन इंफ्रा में इन्वेस्ट करिए, हम आपको जो भी डिविडेंड होगा, इंटरेस्ट होगा, एलटीसीजी होगा, पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, आपको जो भी इंडिया से डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एलटीसीजी मिलेगा, मींस इनकम में डिविडेंड इंटरेस्ट मिल सकता है, बेचने से अगर आप शेयर वगैरह बेचोगे एलटीसीजी हो सकता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे, हम कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे आपसे। तो ये अबू धाबी वालों को एक तो मोटिवेट किया और वहां की जो होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसको बोला तुम इन्वेस्ट करिए, फॉरेन के सोवरेन वेल्थ फंड को बोला तुम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, या पेंशन फंड को बोला तुम इन्वेस्ट करिए, और तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा जो भी डिविडेंड का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, एलटीसीजी है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर कंडीशन दो है, पहली कंडीशन तो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन आपको वो इन्वेस्टमेंट है ना वो एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए हेल्ड करना पड़ेगा। आपको एक तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्ड करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट वाला और फॉरेन के जो सोवरेन फंड है, फॉरेन के जो पेंशन फंड है, उनको जो ये इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन कौन सी इनकम, डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, एलटीसीजी भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर इन्वेस्ट करना कहां है वो तो बता दो। तो इन्वेस्ट कहां करना है, या तो आप एक काम करिए बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करिए, उनको बोला कि आप बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करिए। बिजनेस ट्रस्ट होते तो दो तरह के, एक तो होता है रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे वो ग्रिड ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं करके, ठीक है, ग्रिड फंड वगैरह आपने देखा होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बनाते हैं उनमें, पोर्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, वो वाले इन्वेस्टमेंट फंड में आप इन्वेस्ट करिए, तब हम आपको ये एग्जेम्पशन देंगे। या फिर आप एक काम करिए, एंट्री कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग और डेवलपिंग ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। उन फॉरेन के फंड्स को बोला, फॉरेन की जो पेंशन फंड्स है, या उनको बोला कि आप एक काम करिए इंडिया की किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो कंपनी क्या करती है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, या फिर ऑपरेट एंड मेंटेन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, या फिर डेवलप ऑपरेट मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी करती है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, हम आपको यहां पे एग्जेम्पशन दे देंगे। एक बात बताओ, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन है, अंबानी एंड अदानी। अदानी एयरपोर्ट मैनेज करता है, डेवलप करता है, पोर्ट मैनेज करते हैं, डेवलप करते हैं, तो अंबानी अदानी में आप इन्वेस्ट करिए। तीसरा, आप एक काम करिए, इन्वेस्ट किस में करिए, कैटेगरी 1 और 2 ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में करिए। लेकिन वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, हैविंग मिनिमम 50% इन्वेस्टमेंट इन द 1 और मोर एंटिटी रेफर्ड इन द क्लॉज नंबर बी, मींस या तो अंबानी अदानी में वो 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो इन्वेस्ट करेगा, और आइटम डी एंड ई इन द और इन द बिजनेस ट्रस्ट दैट इज द INVIT। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक काम करिए, आप कैटेगरी 1 और 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करिए, और ये क्या करेंगे, इनके पास जितना भी पैसा है ना जो आएगा ना उसमें से 50% या उससे ज्यादा है वो ए में, बी में, डी में या ई में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस केस में उस वाले में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड में, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप एक काम करिए, किसी डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करिए, डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो सेटअप और रजिस्टर्ड हुई है 1 अप्रैल 2021 के बाद में, और उसमें मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट है वो
अंबानी अदानी में किया है, मींस ऐसी डोमेस्टिक कंपनी का पास जितना भी पैसा था 75% और मोर पैसा है उन्होंने यहां अंबानी अदानी में डाला है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, या फिर आप एक काम करिए किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करिए और एनबीएफसी ने अपना जो भी मिनिमम 90% का जो लोनिंग है वो 90% का लोनिंग है लोन है वो अंबानी अदानी को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के दिया है, तो आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो उस केस में आपको डिविडेंड इंटरेस्ट और एलटीसीजी जो भी होगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन, पहली कंडीशन, ये 4 साल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2024 के बीच में करके, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, आपको इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 3 ईयर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कहां का करना है, या तो बिजनेस ट्रस्ट में कर लीजिए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कंपनियां होती है उसमें कर लीजिए, या फिर आप एक काम करिए किसी इन्वेस्टमेंट फंड में करिए, बट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, एटलीस्ट जो 50% है वो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में वगैरह करेगा, या फिर आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में करिए और वो डोमेस्टिक कंपनी ने क्या किया पता, 75% जो पैसा है वो कहां लगाया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाया, या फिर आप एक काम करिए किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करिए और एनबीएफसी ने अपना 90% और मोर का जो लेंडिंग है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली आप ये ध्यान रखिए, आप ऐसे याद रखिए कि अगर कोई भी एक तो अबू धाबी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वाली जो उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, या फिर फॉरेन के सोवरेन वेल्थ फंड है या पेंशन फंड है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कहां पे, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में, तो उस केस में उनको जो भी डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, एलटीसी है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पे कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर पीरियड में होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आपको 3 इयर्स के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे मान लो 2 साल में आपने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया तो उस केस में क्या होगा, पहले जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था वो वापस विड्रॉ हो जाएगा और जिस ईयर में आपने ये वायलेशन किया उस ईयर में ये वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे कुछ कंडीशन दे रखी है कि होली ओन सब्सिडरी कंपनी कौन सी होगी, सोवरेन वेल्थ फंड कौन से होंगे, पेंशन फंड कौन से होंगे, ये कंडीशन आपको पढ़नी है, तो एक बार आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद में एक बात समझना, एक 1023FF करके एक सेक्शन है, ये सेक्शन मैं थोड़ा लेटर पार्ट में लूंगा, तो इसको अपन थोड़े बाद में इस सेक्शन को लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब एक बात समझना, ये एनआरआई किसको बोलते हैं, आप बहुत बार बोलते हो ना एनआरआई है वो, एनआरआई का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ नॉन रेजिडेंट होता है, आंसर इज नो। एनआरआई किसको बोलते हैं, कि अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है, मींस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है, अलोंग विद दैट पर्सन इज इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है। इंडियन सिटीजन मींस भारत का नागरिक है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन मींस उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का भी जन्म है वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। तो एक बात समझना, कोई पर्सन है वो एनआर है और एनआर के साथ में वो पर्सन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, तो उस केस में उस पर्सन को हम बोलेंगे एनआरआई करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये चैप्टर होता है चैप्टर 12A करके, और ये चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज बेसिकली ऑप्शनल फॉर द एनआरआई, एनआरआई को चाहिए तो ये चैप्टर ले सकता है, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं लेगा तो भी चलेगा। अब एक बात समझना, एनआरआई के केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एनआरआई के पास में कोई भी फॉरेक्स एसेट है, क्या है फॉरेक्स एसेट, तो फॉरेक्स एसेट के केस में उसको एलटीसीजी होगा, उस एलटीसीजी पे सिर्फ 10% से टैक्स लगेगा और जो भी उसका इन्वेस्टमेंट इनकम है उस पे 20% से टैक्स लगेगा और जो भी उसकी अदर इनकम है उस पे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लग जाएगा। तो अगर एनआरआई के पास में फॉरेक्स एसेट है, क्या है फॉरेक्स एसेट, एनआरआई के पास में क्या है फॉरेक्स एसेट, तो फॉरेक्स एसेट में जो भी उसका एलटीसीजी होगा उस पे 10% से टैक्स, इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी उस पे 20% से टैक्स और जो भी बाकी वाली इनकम रहेगी उस पे आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर फॉरेक्स एसेट का मतलब होता क्या है, सो फॉरेक्स एसेट का मतलब एनआरआई ने क्या किया कि फॉरेक्स एसेट है मींस ऐसी एसेट है जो एक्वायर की है फॉरेन एक्सचेंज में, मींस फॉरेन करेंसी में एक्वायर की है, लेकिन कौन-कौन सी एसेट, यहां पे बेटा ओनली आपकी 5 असेट कवर होगी। एक तो तुम्हारा शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, मींस इंडियन कंपनी के शेयर है, वो इंडियन पब्लिक कंपनी है, इंडियन प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर है। दूसरा अगर डिबेंचर ऑफ द इंडियन पब्लिक कंपनी और डिपॉजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी, और तीसरा आपका सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और चौथा एनी अदर मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर एक बात बताऊं, यहां पे 3 ही असेट हुई ऐसे याद रखने जैसी। पहला तो शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, मींस इंडियन कंपनी के शेयर है उसके पास, इंडियन पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर। दूसरा क्या है, इंडियन पब्लिक कंपनी के या तो डिबेंचर है या डिपॉजिट है, और चौथा तुम्हारा क्या रहेगा, सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, इंडियन कंपनी के शेयर है या फिर तुम्हारा इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, डिपॉजिट्स है या डिबेंचर है या फिर सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 3 असेट जो है वही तुम्हारे फॉरेक्स असेट में आएगी। तो देखो, अगर एनआरआई है, एनआरआई ने क्या किया, फॉरेक्स असेट एक्वायर की, फॉरेक्स असेट में कौन कौन सी असेट आएगी, पहला तो इंडियन कंपनी के शेयर है वो आएंगे, दूसरा
इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर है या डिपॉजिट्स है वो आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आएगी। अब एक चीज समझना, ये वाली जो इनकम होगी ना, इन पे ये लोग बोलते हैं कि अगर इनको बेचने से, फॉरेक्स एसेट को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट 10%, और अगर इन्वेस्टमेंट का इनकम हुआ मीन्स उस पर डिविडेंड मिला, शेयर्स पे डिविडेंड मिला, या जो तुम्हारे डिपॉजिट था या तुम्हारा डिबेंचर था उस पर जो इंटरेस्ट मिला, दैट इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। लेकिन यहां पर एक चीज समझना बेटा, सेक्शन 115D ये बोलती है कि जब भी आप ये इन्वेस्टमेंट इनकम निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स डिविडेंड या इंटरेस्ट है, उसके केस में कोई भी आपको एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मीन्स एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स कोई भी खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एज वेल एज द चैप्टर 6A के डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगे, मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, जो भी LTCG रहेगा वो LTCG के सामने भी आपको अंडर चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन LTCG के सामने आपको फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 का बेनिफिट मिल जाएगा, जो अपन कैपिटल गेन को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में और वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं, और जो भी आता है कैपिटल गेन उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, जो सनी वाला प्रोविजो है वो प्रोविजो का बेनिफिट यहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर फॉरेक्स एसेट है, फॉरेक्स एसेट का मतलब क्या होता है, या तो इंडियन कंपनी के शेयर है या फिर इंडियन पब्लिक कंपनी के डिबेंचर डिपॉजिट्स है या फिर आपके पास में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो NRI के पास में ऑप्शन है कि वो पे कर सकता है LTCG पे 10% टैक्स और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम रहेगा उस पे 20% की रेट से टैक्स। लेकिन एक चीज समझता, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करते टाइम कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद में जो भी आपका LTCG रहेगा उसके सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 का बेनिफिट मिलेगा लेकिन सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई भी फॉरेक्स एसेट बेचते हो और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर कोई दूसरी फॉरेक्स एसेट खरीद लेते हो तो LTCG भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, किसी कंपनी के, जैसे कोई NRI था, NRI ने क्या किया, रिलायंस के शेयर बेचे और उसने फिर क्या किया, उसी पैसे से टाटा के शेयर खरीद लिए, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और यहां पे एग्जेम्पशन 54F जैसे मिलेगा, कैसे, LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू फॉरेक्स एसेट डिवाइड बाय द नेट कंसीडरेशन, मींस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, देखो यहां पे सेक्शन 115F है वो ये बोलती है कि अगर आपको LTCG होता है फॉरेक्स एसेट पे और वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपने 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको क्या खरीदना है, कोई दूसरा फॉरेक्स एसेट खरीदना है या फिर सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने हैं अंडर सेक्शन 10(4B) वाले। सो अंडर सेक्शन 10(4B) वाले सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत पुराने आते थे, अभी मार्केट में है नहीं, बट अगर वो सेविंग सर्टिफिकेट आप खरीदते हो या फिर फॉरेक्स एसेट खरीदते हो तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, LTCG मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन बेसिस पे। अब एक और चीज समझना, जो भी आप नई फॉरेक्स एसेट खरीदते हो ना, वो फॉरेक्स एसेट फिर आपको 3 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं करनी है, उस पर लॉक इन पीरियड लग जाएगा 3 इयर्स का। अगर आपने 3 इयर्स में ट्रांसफर कर दी तो उस केस में क्या होगा, जितना आपने एग्जेम्पशन पहले लिया था वो वापस से आपके लिए LTCG बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने वायलेशन किया। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर कोई भी SSC SI NRI है जिसको सिर्फ 2 ही इनकम है, फॉरेक्स एसेट पे या तो LTCG है या फिर फॉरेक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट का इनकम है, सिर्फ 2 ही इनकम है, फॉरेक्स एसेट पे LTCG और इन्वेस्टमेंट का इनकम, और उस पर अगर TDS कट चुका है तो उस NRI को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, उस NRI को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, वो पहले NRI पहले नॉन रेजिडेंट था, लेकिन मान लो करंट ईयर में वो रेजिडेंट बन गया, तो रेजिडेंट बनने के बाद भी क्या ये स्पेशल प्रोविजन के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है क्या, वो ऐसा बोल सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को प्लीज आप 20% से टैक्सेबल करते रहो ना? आंसर इज यस, वो ऐसा बोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो NRI पहले नॉन रेजिडेंट था, अब वो रेजिडेंट बन गया, तो भी ये इसी प्रोविजन के साथ में जो NRI के लिए स्पेशल प्रोविजन है इसके साथ में वो कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि उसके पास फॉरेक्स एसेट है। तो वो वाली फॉरेक्स एसेट जब तक उसके पास है वो इन्वेस्टमेंट इनकम पे 20% की रेट से टैक्स पे कर सकता है, लेकिन जैसे वो इन्वेस्टमेंट को बेच देगा उसके बाद ऑब्वियसली ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, ये सेक्शन में, ये जो टॉपिक में मैंने आपको जो भी बताया वो ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो ये टॉपिक ले सकता है, अदरवाइज वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स भी पे कर सकते हैं। अब अपन यहां पे पढ़ने वाले कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स फॉर द नॉन रेजिडेंट, कुछ नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेशल रेट्स होती है, और ये तुम्हारा चैप्टर होता है 12 करके। अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा दैट वॉज चैप्टर नंबर 12A, और अभी एक चैप्टर पढ़ने वाले दैट इज द चैप्टर नंबर 12, और यहां पे अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना ये मैंडेटरी सेक्शन से, ऊपर जो अभी NRI वाला पढ़ाया वो ऑप्शनल था, बट यहां पे ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी सेक्शन है। अब ये सेक्शंस क्या बोलती है, एक-एक चीज समझते हैं। इसमें सबसे पहली सेक्शन होती है दैट इज द 115A की, और 115A क्या बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है और उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से क्या मिलता है, या तो इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है, तो जो भी इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, FTS है, डिविडेंड है, वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा वो अपन यहां पे सीखने वाले हैं। तो एक-एक चीज समझेंगे, आप ध्यान देना, आप सब लोग इधर ध्यान देना कि अगर कोई भी, सबसे पहला,
अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा लगाया कहां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में। ये इंडिया में एक फंड होता है जिसको गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्पशन भी दे रखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। आप एक बात समझिए, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा दिया, फंडिंग किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है ना, क्योंकि उन्होंने लोन दिया किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने अगर इनको इंटरेस्ट दिया नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, देन इट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट 5%। 5% से टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115A, और बेटा उस पर टीडीएस कटेगा, वो भी 5% की रेट से कटेगा अंडर सेक्शन 194LB। तो अंडर सेक्शन 194LB जो टीडीएस कटेगा वो 5% से कटेगा, और यहां पे जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा वो भी 5% से होगा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या किया, पैसा दिया किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिला, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5%, और उस पर टीडीएस कटेगा 194LB में 5% की रेट से। अब एक बात समझना, दूसरा पॉइंट ध्यान देना, क्या अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने पैसा दिया किसको, मीन्स या तो फॉरेन करेंसी लोन दिया है किसी इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को फॉरेन करेंसी लोन दिया, एंड लोन अग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो लोन अग्रीमेंट बिटवीन 1 जुलाई 2012 से लेके 30th जून 2023 के बीच में लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है, या फिर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू किए अप टू 30th जून 2023, तो इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यू किए, तो उस केस में क्या होगा गाइस कि इस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, वो सिर्फ 5% की रेट से टैक्सेबल होगा, वो ओनली 5% की रेट से टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, 5% की रेट से टैक्सेबल होगा, और उस पर टीडीएस काटेंगे 5% की रेट से अंडर सेक्शन आपका अंडर सेक्शन 194LC करके। तो देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को लोन दिया, उससे जो भी फॉरेन करेंसी लोन दिया, उससे जो भी लाइक इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5%, और टीडीएस कटेगा 194LB में 5% की रेट से। दूसरा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या किया, या तो लोन दिया किसको, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को, और अग्रीमेंट साइन हुआ है टिल 30th जून 2023, या फिर इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को क्या इशू किए, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए, या फिर आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए करके, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा ना नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, दैट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट 5%, और टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194LC एट द रेट 5%। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है वो एग्जेम्पशन में मैंने बताया था कि अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने वो नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे से, आपको पता है वो 18 से लेकर और 31st मार्च 2019 के बीच में अगर वो इशू किए, 10(4C) का एक एग्जेम्पशन था, याद है आपको 10(4C) का या एग्जेम्पशन याद है थोड़ा बहुत, अभी तो पढ़ा था, यहां पे 10(4C) का एक एग्जेम्पशन था, और वो 10(4C) का एग्जेम्पशन क्या था कि मोदी जी के बर्थडे से लेके और 31st मार्च 2019 के बीच में, इस बीच में अगर ये रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज जो भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, इंडियन कंपनी से या फिर बिजनेस ट्रस्ट से, और अगर यहां पे इस डेट तक वो RDB इशू किए हैं या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हैं या लोन जो दिया है वो अग्रीमेंट इस पीरियड में दिया है, तो उस केस में भैया 5% की रेट से टैक्सेबल होगा और टीडीएस भी 5% की रेट से कटेगा। तो ऐसे याद रखो, एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, उन्होंने क्या किया, या तो लोन दिया, फॉरेन करेंसी लोन दिया, और फॉरेन करेंसी लोन किसको दिया, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट को, या इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया, यहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हैं या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए। अब ये डेट याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, आप इतना याद रखिए कि इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी से क्या किया है, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी से फॉरेन करेंसी लोन लिया, आरडीबी इशू किया या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किया, तो जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5%, और उस पे टीडीएस भी 5% की रेट से काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, लास्ट ईयर यहां पे एक अमेंडमेंट आया, और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि यहां पे जो टीडीएस रेट एंड टैक्स रेट 5% है ना, इसकी जगह 4% हो जाएगी। अगर ये मनी बोरो किया है
from source outside India by way of issue long term bonds or rupee denominated bonds on or after 1st April 2020 till 30th June 2023 and which is listed only in the recognized stock exchange located in the International Financial Service Center. Means yahan pe kya hua ki Indian company ya business trust ne jo bhi RDB issue kiya long term bonds issue kiya wo 1st April 2020 se leke aur 30th June 2023 ke beech mein issue kiya hai aur wo list honge sirf IFSC mein located recognized stock exchange mein. To yahan pe tax rate hai wo 5% ki jagah hai wo 4% ho jayegi aur beta jo TDS ka rate hai wo bhi 5% ki jagah 4% ho jayega. Ab ek aur cheez samajhna, next part, C part, ye point ye bolta hai ki agar koi interest payable, इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग किसको, या तो एफआईआई को या क्यूएफआई को. एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूएफआई का मतलब होता है आपका दैट इज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं. एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्यूएफआई, इस पर इंडियन शेयर मार्केट डिपेंड करता है करके बहुत बार. तो एक बात समझना, एफआईआई और क्यूएफआई है उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं और इंटरेस्ट कौन दे रहे हैं, या तो कोई इंडियन कंपनी दे रही है, इंडियन कंपनी दे रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट दे रही है. और यहां पे जो इंटरेस्ट दे रही है वो कब तक दे रहे हैं, 30th जून 2023 तक. तो वो इंटरेस्ट है वो उनके हाथ में टैक्सेबल 5% से होगा. किसके हाथ में, एफआईआई और क्यूएफआई के हाथ में. और भैया उस पर टीडीएस भी 5% की रेट से कटेगा अंडर सेक्शन 194LD करके. वापस से बोल रहा हूं, देखो इंटरेस्ट पेबल टू द एफआईआई क्यूएफआई को दे रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द आरडीबी ऑफ इंडियन कंपनी. मींस इंडियन कंपनी के रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में एफआईआई क्यूएफआई ने इन्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था इस डेट तक. या फिर लास्ट ईयर क्या हुआ कि आपको पता है जो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी और इशू की, जो इंडिया की बहुत सारी म्युनिसिपलिटी है उन्होंने म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी इशू की, तो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था बिटवीन 1st अप्रैल 2020 से लेकर 30th जून 2023 तक. तो जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5% और इस पे टीडीएस कटेगा 5% की रेट से. तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई एफआईआई या क्यूएफआई है उसने इंडियन कंपनी का आरडीबी खरीदा, या तो इंडियन कंपनी का आरडीबी खरीदा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर उन्होंने म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी खरीदा तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5% और टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 5%. अब एक और चीज समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने क्या किया पता है, नॉन रेजिडेंट ने बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था. आप बिजनेस ट्रस्ट वाले टॉपिक को याद करो, और बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया था और बिजनेस ट्रस्ट जो है वो बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में इन्वेस्ट करता था. और आपको याद रहेगा एसपीवी से जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को दिया, और नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर तो उस केस में वो इंटरेस्ट 5% की रेट से टैक्सेबल होता था. तो 5% की रेट से वो इंटरेस्ट टैक्सेबल यहां पे होगा. तो अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट ने नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट दिया तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5%, बट वो वाला इंटरेस्ट जो बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से मिला था, या फिर आपको पता है एसपीवी से जो डिविडेंड मिलता था और एसपीवी ने अगर 22% की रेट से टैक्स भरा था, एसपीवी ने स्पेशल टैक्स रेट का बेनिफिट लिया था 22% की रेट से टैक्स भरा था, तो जब एसपीवी ने 22% की रेट से टैक्स भरा था तो उस केस में वो डिविडेंड नॉन रेजिडेंट के हाथ में 10% से टैक्सेबल होगा, वो इस सेक्शन में होगा और टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194LBA एट द रेट 5% और 10%. तो देखो नॉन रेजिडेंट जो है उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया था बिजनेस ट्रस्ट ने, बिजनेस ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया एसपीवी में, एसपीवी से इंटरेस्ट मिला, वही इंटरेस्ट अगर पास ऑन कर दिया तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा 5% की रेट से नॉन रेजिडेंट के हाथ में और डिविडेंड है. और अगर एसपीवी ने टैक्स भरा था स्पेशल रेट से, मींस 115BAA की रेट से, 22% की रेट से, तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10% की रेट से डिविडेंड. अब लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट मिलता है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, या तो गवर्नमेंट से मिलता है या किसी इंडियन कंसर्न से मिलता है ऑन द फॉरेन करेंसी लोन, और वो एबीसीडी में कवर नहीं हुआ है, देन उस केस में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एट द रेट 20%, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में 20% से टैक्सेबल हो जाएगा. अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को डिविडेंड मिलता है ना, दैट डिविडेंड इज टैक्सेबल एट द रेट 20%, एज वेल एज अगर मान लो कोई भी यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम मिलती है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एट द रेट 20%. सो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को क्या मिलता है, या तो इंडिया से कोई डिविडेंड मिलता है या फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम मिलती है, that is taxable at the rate 20%, 20% से taxable हो जाएगा. अब एक और चीज समझना, non-resident foreign company को इंडिया से अगर royalty FTS मिलता है, royalty FTS जो मिलता है वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, तो मैं बता दूं रॉयल्टी एफटीएस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जिसको रॉयल्टी एफटीएस मिल रहा है उसका इंडिया में पी है या नहीं है. अगर उसका इंडिया में पी है,
अगर उसका इंडिया में पीई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केस में वो रॉयल्टी एफटीएस है, वो सेक्शन 44DA के हिसाब से जाएगा और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई भी पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और उसको कोई रॉयल्टी एफटीएस मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% से रेट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115A। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि देखो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से क्या मिलता है, रॉयल्टी एफटीएस मिलता है, या तो गवर्नमेंट से मिलता है या किसी इंडियन कंसर्न से मिलता है और वहां पे अग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, तो उस केस में रॉयल्टी एफटीएस है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा ओनली एट द रेट 10%। बट अगर DTAA का रेट लोअर होता है तो DTAA का रेट और टैक्स रेट व्हिचएवर इज लोअर, वो मोर बेनिफिशियल है, वो लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो DTAA का रेट 5% है तो यहां पे 5% की रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से जो इनकम होती है वो सिर्फ 115A वाली इनकम है, मींस या तो उनको क्या मिल रहा है पता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, एफटीएस मिलता है, अपन ने वही वाले यहां कवर किया है करके, ठीक है, कि या तो क्या मिल रहा है यहां पे, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा था, यहां पे ये डिविडेंड की बात कर रहा था, यहां पे किसकी बात कर रहा है, रॉयल्टी एफटीएस की बात कर रहा है, सिर्फ यही वाली इनकम मिलती है। और अगर मान लो उनका टीडीएस कट चुका है तो उस केस में नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न इन इंडिया, इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 115AB। 115AB सेक्शन क्या बोलती है, दैट इज रिलेटेड टू द ओफो। ओफो का मतलब होता है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है पता है, पहले इनको इंडिया में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड का रूट लेते थे और म्यूचुअल फंड के रूट से इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो इसके लिए इन्होंने एक सेक्शन डाली थी 115AB। और 115AB में ये बोला था कि जो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया में अगर किसी म्यूचुअल फंड यूटीआई में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड यूटीआई में इन्वेस्ट करने से जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का मतलब इनकम मिलेगा, बेसिकली इनकम है, या LTCG जो है उस पर सिर्फ 10% की रेट से टैक्स लगेगा। यहां ओफो का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी बाहर का फंड है, इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, बॉडी है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टेब्लिश अंडर द लॉ ऑफ आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड है, विच हैज एंटर्ड इनटू अरेंजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सो एंड सो सेक्शन, एंड सच अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी उसको अप्रूव करेगी। तो देखो, ओफो का मतलब होता है ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। बाहर का कोई फंड है, इंडिया में किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ उन्होंने अग्रीमेंट किया है और वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड में या फिर आपके यूटीआई में, और म्यूचुअल फंड यूटीआई में जो इन्वेस्ट किया उससे जो भी उनको इनकम होगी, इनकम में एक तो इनकम मिल सकती है लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड जैसी, या एक LTCG हो सकता है, तो उस पर टैक्स लगेगा, वो सिर्फ 10% की रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, अगर मान लो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उस केस में ऑब्वियसली आपका 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। उसके बाद में लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे 15% की रेट से ही टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेक्शन होती है 115AC। 115AC क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है बाहर का, उसने क्या किया, किसी इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स खरीदा हुआ है, इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या GDR खरीदी हुई है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, तो उस पे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा एंड इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, सिर्फ 10% से टैक्सेबल होगा। तो 115AC में क्या बोला हुआ है कि नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया, इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या GDR खरीदा है, उस पे जो भी इनकम होती है दैट इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% और जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी कंपनी की GDR थी बट उस कंपनी का अमलगमेशन हो गया और अब उसको GDR है वो नई कंपनी की मिल गई अमलगमेशन के बाद, तो क्या उस पर भी ये बेनिफिट मिलेगा लोअर टैक्स रेट का? आंसर इज यस, उस पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझना, यहां पे अगर जो इनकम है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, नॉन रेजिडेंट को इन्वेस्टमेंट की इनकम मीन आपका इंटरेस्ट डिविडेंड होता है ये वाला करके, ठीक है, और अगर उसमें TDS कट चुका है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 115AC है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ये रेजिडेंट के लिए है, लेकिन मैंने यहां पे डाली है बिकॉज सिक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो 115AC सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है और वो रेजिडेंट पर्सन क्या करता है, रेजिडेंट जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी का और उसको कंपनी के ESOP में GDR मिल जाती है, किसी कंपनी के ESOP में GDR मिल जाती है, मीन्स यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री होती है जैसे IT इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट सर्विस है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और एनी अदर मे बी नोटिफाइड, वहां पे जो एम्प्लॉय को अगर ESOP में GDR मिल जाती है और वो GDR को बेचने पे LTCG होता है, तो उसको एम्प्लॉय को सिर्फ 10% टैक्स भरना है और डिविडेंड होता है उस पर भी आपको 10% टैक्स भरना है। दिस पॉइंट यू मे स्किप। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 115AD, इसको आपको ध्यान देना है। अब एक चीज समझना, यहां पे एक सेक्शन है, वो सेक्शन बोलती है दैट इज द 115AD, और ये 115AD दो लोगों की बात करेगी।
एक तो ये बात करेगी एफआईआई की, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक बात करेगी स्पेसिफाइड फंड की। स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था वहां पे, पता है कि स्पेसिफाइड फंड मींस अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी थ्री वाला, जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है, उसके जितने भी यूनिट होल्डर है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफाइड फंड। एक बात बताओ, ये जो एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड है, पहले मैं एफआईआई की बात करूंगा, तो एफआईआई के केस में देखो, अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वहां, यहां पे अपन ने देखा था ना, यहां पे अगर एफआईआई को कोई इंटरेस्ट मिलता है इंडियन कंपनी से रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 5%, टीडीएस भी 5% की रेट से कटेगा। लेकिन अगर एफआईआई को बाकी कोई इनकम होती है, कौन कौन सी तो समझने की कोशिश करना, हाँ, एफआईआई को अगर सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है, एफआईआई को सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है, करके किस पे, सिक्योरिटी पे कोई इनकम होती है, तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, 20%, 30%। क्या बोला मैंने, 10%, 20%, 30%। वापस बोल रहा हूं, एफआईआई को अगर सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट होती, इनकम होती है, सिक्योरिटी पे इनकम होती है, सिक्योरिटी पे इनकम होती है, देन इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10, 20 and 30। कैसे याद रखोगे, 10% इज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Means, अगर कोई एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सिक्योरिटी पे उनको इनकम होती है अदर देन यूटीआई म्यूचुअल फंड को छोड़ के, क्योंकि यूटीआई म्यूचुअल फंड यहां ऑलरेडी ओफो में कवर हो गया था, यहां ओफो में कवर हो गया तुम्हारा यूटीआई म्यूचुअल फंड वाला यूनिट, यूटीआई म्यूचुअल फंड को छोड़ के कोई भी सिक्योरिटी पे अगर उनको इनकम होती है, अगर एलटीसीजी हुआ तो 10% से टैक्सेबल, एसटीसीजी हुआ तो 30% से टैक्सेबल, और अगर इन्वेस्टमेंट मींस इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम हुई तो 20%। इसको ऐसे याद रखो, 10%, 20%, 30%, 10% फॉर एलटीसीजी, 20% फॉर द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड 30% फॉर द एसटीसीजी, और अगर एसटीसीजी 111 वाला है देन ऑब्वियसली इट इज अ 15%। सो मैं पहले बात कर रहा हूं एफआईआई की, तो एफआईआई के केस में मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करता, एफआईआई के केस में मैंने क्या बोला कि एफआईआई को अगर एलटीसीजी होता है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%, एसटीसीजी होता है इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम होती है इट इज टैक्सेबल एट 20%, और एसटीसीजी 111 वाला 15%। ऐसे याद रखो ना, 10 ऐसा याद रखेंगे, 10, 20, 30 बेटर रहेगा, 10 इज एलटीसीजी, 20 इज इन्वेस्टमेंट इनकम, 30 इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट वो 111 वाला है तो 15%। यहां पे स्पेसिफाइड फंड के केस में एक चेंज है, स्पेसिफाइड फंड के केस में 10, 10, 30 लगेगा, मींस एलटीसीजी 10%, इन्वेस्टमेंट इनकम जो रहेगी इंटरेस्ट डिविडेंड उस पर 10%, तुम्हारा एसटीसीजी होगा उस पर 30%, और अगर एसटीसीजी 111 वाला है तो उस पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना है, यहां पर लॉ मेकर्स यहां पर यह बोलते हैं कि जो भी ये एफआईआई होता है ना, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको जो भी ये एलटीसीजी एसटीसीजी वगैरह जो होते हैं ना, ये एलटीसीजी एसटीसीजी वगैरह होते हैं या फिर जो ये डिविडेंड वगैरह का इनकम होता है उसमें ध्यान रखना, इनको मैक्सिमम सरचार्ज 15% का लगेगा, मींस 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे एफआईआई वगैरह होते हैं वो एओपी बीओआई के फॉर्म में होते हैं, और जब एओपी बीओआई के फॉर्म में होते हैं तो सरचार्ज 25% 37% भी लग सकता है, बट गाइज यहां पे उन्होंने क्लेरिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम सरचार्ज है वो मैक्सिमम ये जो डिविडेंड इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है करके, ठीक है, एंड जो ये एसटीसीजी एलटीसीजी और एसटीसीजी 111 है इन पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो कितना लग सकता है, आपका 15% ही लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो देखो मैंने क्या बोला, जो एफआईआई के केस में, एफआईआई के केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी पे कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड डिविडेंड का इनकम होगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो कितना लगेगा, 15% की रेट से लगेगा, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब स्पेसिफाइड फंड का मतलब वही जो आपके 10(4)(d) में दे रखा था। अब एक चीज समझना, स्पेसिफाइड फंड में बेटा इस साल से मैंने बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन है ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो भी तुम्हारे स्पेसिफाइड फंड की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक सेक्शन होती है 115 BBA, 115 BBA ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है, उसको इंडिया से पैसा मिलता है। आपको याद रहेगा टीडीएस वाला रिविजन लेक्चर जिसमें मैंने बोला था 194E, EE, 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 EE,
सिटीजन भी होना चाहिए। वो इंडिया में कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पेमेंट करते हो, या फिर उसने कुछ आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में दिया उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो, तो वो 20% ही रेट से टीडीएस कटता था, यहां पे टैक्सेबल भी 20% की रेट से हो जाएगा। तो ये सेक्शन सेम वही वाली है जहां अपन ने वहां पे बात की थी, वो ही सेक्शन यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज समझना है, यहां पे अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है
स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर, और इनको ये वाली इनकम ही होती है करके, ठीक है, जो यहां पे बात की हुई है, अगर वही वाली इनकम होती है तो उस केस में अगर उनका टीडीएस कट चुका है तो उनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और चीज समझना, जो भी मैंने आपको स्पेशल रेट पढ़ाई 115A लेके 115A, 115AB, 115AC, 115AD करके, और ये 115BB अभी आपको पढ़ाई, तो ये जितनी भी स्पेशल रेट पढ़ाई ना, एक चीज ध्यान रखना, ये स्पेशल रेट्स के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, मींस ग्रॉस इनकम वो टैक्सेबल होगी, मींस आपकी जो जैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम है तो जो ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी, उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, एज वेल एज द आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी अलाउ नहीं होता। जितनी भी अपन ने स्पेशल रेट्स वाली इनकम पढ़ी अभी, उसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउ नहीं होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो 115A में आपको रॉयल्टी एफटीएस का इनकम होता है ना, तो रॉयल्टी एफटीएस के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो अलाउ होता है, तो रॉयल्टी एफटीएस के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो अलाउ होता है। एक और चीज समझना आप लोग, ये जितनी भी सेक्शन मैंने आपको बताई वहां पे जहां पे भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन था वहां पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज वेल एज द फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मींस फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 एज वेल एज इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये जो भी सेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैंडेटरी सेक्शन है, और एक और चीज समझना, स्पेशल रेट्स के सामने कभी भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टैक्सेशन ऑफ जीडीआर, एक छोटा सा टॉपिक है, सेक्शन होती है 115AC जो अभी अपन ने पढ़ी, कि नॉन रेजिडेंट के पास में अगर इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स है या जीडीआर है उसको बेचता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% और इनकम होती है, इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। अब एक चीज समझता, एक अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था, और कैपिटल गेन में हमने ये पढ़ा था, कैपिटल गेन में ये पढ़ा था, एक सेक्शन होती है 47 का क्लॉज नंबर 8A, वो ये बोलती है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, इंडिया के बाहर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को जीडीआर या बॉन्ड्स ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में इंडिया में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो ही कैपिटल गेन नहीं लगेगा, अगर नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लगेगा, रेजिडेंट ने रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन लगेगा, या रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर किया तो भी कैपिटल गेन लगेगा, यहां पे एनआर ने एनआर को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर आप क्या करते हो, कोई भी बॉन्ड्स या जीडीआर है वो आईएफएससी में, कोई नॉन रेजिडेंट है वो क्या करता है, आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो और कंसिडरेशन है वो आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है तो उस पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, क्या होता है कि जीडीआर जो होती है ना, अगर उसको इंडियन शेयर में कन्वर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है कि हमारी जो जीडीआर है उसको कन्वर्ट करवा दीजिए इंडियन कंपनी के शेयर में। अब एक बात समझना, जब भी जीडीआर को इंडियन कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन करोगे उसके बाद जीडीआर की बदले आपको इंडियन कंपनी का शेयर मिल जाएगा, तो उस केस में होता है ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन लगता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, कैपिटल गेन लगाते टाइम क्वेश्चन ही आता है कि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या आएगा, जो असेट आ रही है, असेट क्या आ रही है, शेयर आ रहे हैं, जो भी लाइक इंडियन कंपनी के शेयर है वो शेयर आ रहे हैं, वो तो शेयर जो आ रहे हैं ना उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा, जो शेयर आ रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा। लेकिन कौन सी डेट का फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया था कन्वर्जन के लिए उस डेट का, या जिस दिन आपको अलॉटमेंट हुआ उस डेट का? राइट आंसर, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया था कन्वर्जन के लिए उस डेट का। तो जब भी आपने कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन किया था उस डेट का उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, वो फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर का वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बन जाएगा, और वही फिर वो शेयर का क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, आपको समझेगा तो आप अच्छे से देख लेना, आपको समझ जाएगा। चलो अब मैंने जो पढ़ाया ना उसका एक क्विक रीकैप देता हूं आपको, स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया है। एक बात समझना, स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, तो स्पेसिफाइड फंड या तो तुम्हारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 वाला जो आईएफएससी में लोकेटेड, या फिर इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द ओबीयू इन द आईएफएससी, ओबीयू मींस ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अब एक बात समझना, स्पेसिफाइड फंड होता है ना, अगर स्पेसिफाइड फंड की जो यूनिट है वो हेल्ड की हुई है रेजिडेंट मैनेजर ने या स्पॉन्सर, ये रेजिडेंट हो सकते हैं या कोई पी ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, ये लोगों ने अगर यूनिट होल्ड की हुई है तो जो भी इनकम होगी वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो यूनिट होल्डर है वो ऑल यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट होने चाहिए एक्सेप्शन को कुछ छोड़ के, तो वो एक्सेप्शन वाले यूनिट होल्डर का प्रोपोर्शनेट इनकम है वो तो स्पेसिफाइड फंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट से। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है उस प्रोपोर्शन का इनकम है वो कुछ एग्जेम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था स्पेसिफाइड फंड की वो चार इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, कौन कौन सी? एक तो अगर वो स्पेसिफाइड फंड ने वो सिक्योरिटी ट्रांसफर की जो 47 क्लॉज नंबर 7AB में दे रखी है, ये एग्जेम्प्ट हो जाती थी सेक्शन 10(4)(d) में। दूसरा मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी भी सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं अदर देन इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर, सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं और सिक्योरिटी पे अगर कोई भी ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अदर देन इंडियन कंपनी के शेयर।
उसके बाद मैंने बताया था अगर आपको कोई डिविडेंड इंटरेस्ट का इनकम मिलता है ऑन द सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन रेजिडेंट वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और मैंने बोला था पीजीबीपी इनकम होती है जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं बताऊं ये चार चीजें वापस मैंने यहां ग्रीन में बता रखी है। देखो कि अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है और वो स्पेसिफाइड फंड को क्या होता है, सबसे पहली चीज अगर कैपिटल गेन होता है, किस पे कैपिटल गेन होता है, सिक्योरिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 का क्लॉज नंबर 7AB और उन पे जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट है। अदर सिक्योरिटी पे अगर कोई कैपिटल गेन है वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मान लो शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के शेयर बेचने से कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। और गाइस कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, अभी सेक्शन 115AD में मैंने बताया था। एक तो तुम्हारा क्या बोला था 115AD में, FII और आपका स्पेसिफाइड फंड, और स्पेसिफाइड फंड के लिए मैंने बोला था 10-10-30 करके, 10% लॉन्ग टर्म हुआ तो 10% करके, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 3 बने वाला है तो 15% और बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30%। अब एक चीज समझना, अगर मान लो यहां पे जो स्पेसिफाइड फंड है वो स्पेसिफाइड फंड को इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी होता है, मींस इंटरेस्ट डिविडेंड है। अब वो इंटरेस्ट डिविडेंड सिक्योरिटी अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इशू किया हुआ है तो पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी 1040 में। लेकिन अगर रेजिडेंट ने इशू किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ये इनकम टैक्सेबल होगी कौन सी रेट से, 10% की रेट से। अभी तो पड़ा 115AD में 10% की रेट से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे इस चार्ट में मैंने मर्ज करके दे रखा है 115AD को एंड आपके 1040 को, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। लेकिन सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि स्पेसिफाइड फंड को जो भी इनकम होगी जिसमें ये यूनिट हेल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट है ना, उस वाली इनकम या तो एग्जेम्प्ट होगी या कम रेट से टैक्सेबल होगी, बट बाकी वाली जो इनकम है वो आपकी फुल रेट से टैक्सेबल होगी, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगी। बट कैसे अपन इनकम को कैसे प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फॉर्मूला याद रह ले तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि अगर कैपिटल गेन को कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो कैपिटल गेन को प्रोपोर्शनेट करने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आपका कैपिटल गेन कितना है, उसको मल्टीप्लाई करिए एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, डेली एग्रीगेट ऑफ डेली असेट अंडर मैनेजमेंट हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट, और डिवाइड करिए एग्रीगेट ऑफ द डेली AUM ऑफ द स्पेसिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। तो देखो अगर मान लो कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर दी किसने, स्पेसिफाइड फंड ने, तो उस पर जो भी गेन होगा वो गेन में देखो जितना नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है उनके प्रोपोर्शन वाला जो गेन है वो गेन या तो एग्जेम्प्ट होगा या रीजनेबल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा एज पर दिस चार्ट, और बाकी वाला नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। तो सर कैसे आप उसको प्रोपोर्शन करेंगे, तो एक काम करो पहले कैपिटल गेन कितना हुआ उसको मल्टीप्लाई करो, कि आपका एग्रीगेट करो डेली असेट अंडर मैनेजमेंट, डेली कितना था उसको आप एग्रीगेट करिए जो नॉन रेजिडेंट होल्ड करता था, जो नॉन रेजिडेंट होल्ड कर रहा था फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल असेट इज एक्वायर टिल द डेट ऑन विच कैपिटल असेट इज ट्रांसफर करके, जिस दिन कैपिटल असेट ट्रांसफर एक्वायर किया था और ट्रांसफर किया था उतने दिन का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है डेली वाला उसको आप एक्यूमुलेटेड कर दीजिए, उसको आप टोटल कर दीजिए जो नॉन रेजिडेंट ने हेल्ड किया हुआ है, और फिर डिवाइड करिए टोटल आपका AUM कितना है करके, ठीक है। टोटल आपका AUM कितना है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, इतना प्रोपोर्शनेट इनकम है वो आपका नॉन रेजिडेंट वाला हो जाएगा और उतना इनकम आपका आइदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा या स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर ये तो कैपिटल गेन की बात हो गई, लेकिन सिक्योरिटी पे अगर कोई इनकम होती है जैसे डिविडेंड और इंटरेस्ट है या पीजीबीपी फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, तो आप एक काम करिए सबसे पहले इनकम ले लीजिए, और यहां पे आपको एग्रीगेट नहीं करना, यहां पे आपको ये देखना है कि ये जो इनकम हुई थी उस दिन उस फंड का स्पेसिफाइड फंड का टोटल AUM कितना था वो डिवाइड करिए, और उसको ऊपर कौन सा लिखोगे करके, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे कि कितना AUM नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है वो होल्ड कर रहे हैं, तो जो इनकम हुई उस इनकम की डेट को मल्टीप्लाई करिए नॉन रेजिडेंट कितना AUM होल्ड कर रहे हैं, और डिवाइड क्या करेंगे कि आपका टोटल AUM कितना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर स्पेसिफाइड फंड को इनकम होती है 5 लाख की, और उस दिन पता चला कि आपका टोटल AUM है वो 400 करोड़ का है, और उसमें से नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है वो मान लो 300 करोड़ के है, तो इस प्रोपोर्शन की इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी या स्पेशल रेट से कम रेट से टैक्सेबल होगी, बाकी वाली जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आया होगा मैंने आपको क्या बताया यहां पे। चलिए यहां पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर एक बात बताओ, आपने जो वोडाफोन वाला अभी जो केस लो बताया था, वोडाफोन के केस में मैंने क्या बताया था कि फॉरेन कंपनी जो होती है, अगर वो फॉरेन कंपनी क्या करती है कि अपने फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से, तो फॉरेन कंपनी के जो भी शेयर बेचोगे उस पर कैपिटल गेन है वो इंडिया में लग जाएगा करके, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यहां पे पता कैसे चलेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडियन सब्सिडियरी कंपनी है ना उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक इन्फॉर्मेशन देंगे इन द फॉर्म नंबर 49D में देंगे, और फॉर्म नंबर 49D में वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि
भाई फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे है, ठीक है, जो फॉरेन कंपनी हमारी जो असेट है उससे वैल्यू डिराइव कर रही है, वो इंडियन कंसर्न को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये इंफॉर्मेशन कब तक देंगे पता है, 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी इज ट्रांसफर। फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर हुआ था उस प्रीवियस ईयर के एंड से, आपको 90 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म नंबर 49D में ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो उसमें पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, अगर मान लो फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर होने से इंडिया का मैनेजमेंट और कंट्रोल राइट भी ट्रांसफर हुआ है, मींस फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने से जो इंडियन कंपनी है उसका मैनेजमेंट और राइट मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में 2% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू का पेनल्टी लगेगा। बट अगर मान लो मैनेजमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, मींस सब्सटेंशियल शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, तो उस केस में क्या होगा, 5 लाख रुपीज तक का पेनल्टी लगेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर फॉरेन कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू डिराइव करती है इंडियन असेट से और फॉरेन कंपनी के शेयर बिकते हैं, तो इंडियन कंसर्न जो है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर के एंड से 90 डेज के अंदर अंदर। अगर मान लो यहां पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगा। अगर मान लो फॉरेन कंपनी के शेयर बेचने से इंडियन कंसर्न जो है इंडियन कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था उसका 2% पेनल्टी लगेगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन वैल्यू अदरवाइज क्या है वो 5 लाख का पेनल्टी लग जाएगा। अब एक और कांसेप्ट आता है, दैट इज द लास्ट कांसेप्ट। अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक फॉरेन बैंक है जिसका नाम है एचएसबीसी हांगकांग। अब एक बात समझना, ये जो एचएसबीसी हांगकांग है ना, इनका इंडिया में एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं एचएसबीसी मुंबई ब्रांच। अब इनकी जो मुंबई ब्रांच है वो ब्रांच है, मींस फॉरेन बैंक का एक ब्रांच है। अब एक बात समझना, इनको अलाउ किया कि आप एक काम करिए, जो फॉरेन बैंक है एचएसबीसी हांगकांग उनकी ब्रांच है एचएसबीसी मुंबई ब्रांच, इस मुंबई ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए, इंडियन कंपनी में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, मान लो इनका नाम हो गया एचएसबीसी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड और यह बन जाएगी इस फॉरेन बैंक की सब्सिडरी कंपनी। क्या बन जाएगी, फॉरेन बैंक की सब्सिडरी कंपनी। तो एचएसबीसी हांगकांग एक फॉरेन की बैंक है जो मेन कंपनी है, उनकी मुंबई में एक ब्रांच थी एचएसबीसी की, उन्होंने बोला इस ब्रांच को आप एक काम करिए, जो ब्रांच है ना इस ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए, इस ब्रांच को आप इंडियन कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए, हम आपको कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगाएंगे। मींस ब्रांच की जो असेट होती है वो तो हेड ऑफिस की असेट होती है, मींस जो भी ब्रांच की असेट थी वो तो इस हेड ऑफिस की असेट थी। अब यहां पे कंपनी बदल गई तो कंपनी तो अलग अलग असेसी होते हैं, तो इन्होंने जो इसको ट्रांसफर की सब असेट उस पर कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगेगा, इसको लेके एक एग्जेम्पशन दी है। ये एग्जेम्पशन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना, all people just pay attention। हाँ, तो foreign company है, example के लिए यहाँ पे अपन ले रहे हैं foreign bank, that is the HSBC Hong Kong, engaged in the business of banking, convert its Indian branch into the subsidiary company, capital gain on conversion would be not taxable, means it will not capital gain taxable नहीं होगा, means यहाँ पे जब ये convert हुआ तो ये जब भी convert होगा तो क्या होगा, जो भी asset होगी वो HSBC Hong Kong की branch की asset HSBC Hong Kong की थी, वो इस company को transfer हुई, ये transfer नहीं माना जाएगा, इसमें capital gain नहीं लगेगा। but बेटा यहाँ पे कुछ condition है, 5 condition। first condition ये है कि भैया ये जो amalgamation का स्कीम है ना, this amalgamation का स्कीम, that amalgamation scheme is approved by the shareholder of the HSBC Hong Kong and it is sanctioned by the RBI. RBI इस plan को sanction करेगी और ये approved हुआ था HSBC Hong Kong के shareholder द्वारा। दूसरी condition ये है कि all asset and liabilities है वो transfer होनी चाहिए। तीसरी condition ये है कि asset and liabilities है book value पे transfer होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? Book value पे transfer होनी चाहिए। Revaluation को consider नहीं किया जाएगा। चौथी condition ये है कि जिस date को ये conversion हुआ ना, जिस date को ये HSBC Mumbai branch HSBC Mumbai private limited बनी, उस डेट से लेके उस प्रीवियस ईयर के एंड तक 100% शेयर है इस कंपनी के वो HSBC हांगकांग के पास होने चाहिए 100%। एंड गाइस नेक्स्ट 5 ईयर तक ये जो शेयर है वो एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग है वो HSBC हांगकांग के पास होने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, कन्वर्जन हुआ वो 19 जुलाई 2021 को हुआ, तो ये ईयर एंड कब होगा आपका, 31 मार्च 2022 तक होगा। तो 31 मार्च 2022 तक जो है वो 100% शेयर है वो इस सब्सिडरी कंपनी के इसके पास होने चाहिए HSBC हांगकांग के पास। और फिर नेक्स्ट फाइव ईयर्स में इसमें बता दूं आपका 31 मार्च 2027 तक 51% या उससे ज्यादा के शेयर है वो HSBC हांगकांग के पास होने चाहिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि भैया यहां पे
जैसे ये ब्रांच है वो कन्वर्ट होती है एचएसबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, एचएसबीसी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में, तो एचएसबीसी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो क्या करेगी, अपने शेयर इशू करेगी किसको, एचएसबीसी हांगकांग को, मींस शेयर ही कंसिडरेशन मिलना चाहिए और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए, मींस इंडियन सब्सिडरी कंपनी जो उन्होंने बनाया उसका सिर्फ जो है वो शेयर मिलना चाहिए, शेयर को अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सर चलिए ये तो बात हो गई बहुत बढ़िया वाली बात करके, ठीक है कि ये पांच कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, सर इस साल का डेप्रिसिएशन किसको अलाउ होगा, क्योंकि ब्रांच जो है वो एक अलग पर्सन था, ब्रांच तो हेड ऑफिस के साथ ही काउंट होता है, लेकिन अब ये अलग कंपनी बन गई, तो सर उस साल का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा। तो आप एक काम करिए, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को आप ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे अमलगमेशन हुआ ही नहीं है, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को आप ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे अमलगमेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रिसिएशन आता है ना वो डेप्रिसिएशन आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम, मीन्स जितने जिसने जितने दिन असेट यूज की उस रेशियो में उस डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दीजिए इस ब्रांच के बीच में और ये सब्सिडरी कंपनी के बीच में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये ब्रांच के अप्रोप्रिएटेड कोई लॉसेस थे तो क्या लॉसेस भी ये कंपनी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, यानी आंसर इज यस, ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बिजनेस के लॉसेस, जो भी तुम्हारे पीजीबीपी के लॉसेस है, पीजीबीपी में भी ध्यान रखना स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ के, पीजीबीपी के लॉसेस है एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो जो ब्रांच आपकी बनाई है, ब्रांच से जो सब्सिडरी कंपनी बनाई है वो सब्सिडरी कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, और यहां पीजीबीपी के लॉसेस के केस में फ्रेश एट ईयर का टाइम मिलेगा, फ्रेश एट ईयर का टाइम है वो मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट क्या लेंगे, तो डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ले लेंगे, कि जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था कन्वर्जन की डेट तक कितना डेप्रिसिएशन उसका प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, लेस करने के बाद जो भी डब्ल्यूडीवी बचेगी वो डब्ल्यूडीवी है, वो उस सब्सिडरी कंपनी की डब्ल्यूडीवी बन जाएगी। अब एक बात बताओ, कोई डेप्रिशिएबल असेट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वो एज इट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो उस न्यू सब्सिडरी कंपनी के लिए आ जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो पुराने से लेंगे, मींस जब ब्रांच ने खरीदा था तब से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा। मैट क्रेडिट, अब एक बात बताओ मैट क्रेडिट, क्योंकि एक बात बताओ फॉरेन की जो बैंक है वो भी तो एक फॉरेन कंपनी थी, तो कंपनी को मैट लगता था। अब एक बात समझना, ये भी एक कंपनी थी, इस कंपनी को मैट लगता था, यहां पे इस कंपनी को ट्रांसफर हो गया, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर मैट क्रेडिट का क्या होगा, तो मैट क्रेडिट जो पुराना वाला है वो नए वाले को मिल जाएगा, और ये मैट क्रेडिट है वो आप नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और यहां पे फ्रेश 15 ईयर्स का टाइम लिमिट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, वीआर एक्सपेंडिचर का अमोर्टाइजेशन, वीआरएस जो होता है वो आपको पता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलाउ होता है, और मान लो यहां पे 3 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी ले ली थी उस पुरानी वाली ब्रांच ने, तो रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट है वो किसको मिलेगी, नई वाली सब्सिडियरी कंपनी को मिल जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बैंक्स के केस में, फॉरेन बैंक्स के केस में आपको याद है वो प्रोविजन अलाउ होता है बैड डेट्स का कितना, 5% ऑफ द जीटीआई, तो सर मान लो यहां ओपनिंग प्रोविजन है तो क्या वो नई वाली कंपनी को अलाउ हो जाएगा, आंसर इज यस, वो नई वाली कंपनी को अलाउ हो जाएगा। और एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारी फॉरेन बैंक है एचएसबीसी हांगकांग, उसको जो शेयर्स मिलेंगे इसके, उसको जो ये शेयर्स मिलेंगे इसके, इसके जो शेयर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे नई वाली कंपनी के, तो क्वेश्चन ये आता है कि शेयर्स मिलेंगे तो क्या 56-10 लगेगा, आंसर इज नो, यहां पे बेटा 56-10 नहीं लगेगा, मींस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पे आपका ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, एक छोटा सा पार्ट है जो बच गया जो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो यहां पे ये पार्ट क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको कितना याद रखना है यहां पे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पता है बहुत सारे ऑफशोर फंड्स है, ऑफशोर फंड का मतलब क्या होता है, इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो लोगों के पैसे मैनेज करते हैं दैट फंड्स करके, वो फंड्स को मोदी जी ने बोला हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये फंड जितने भी है ये रीलोकेट हो जाए, कहां पे पता है, ये रीलोकेट हो जाए आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो उन फंड्स को बोला कि आप जो फंड है ना उस फंड को आप रीलोकेट कर दो आईएफएससी में, और जब आप आईएफएससी में रीलोकेट करेंगे तो उस केस में आप उस फंड की सब असेट है वो नए वाले फंड को ट्रांसफर करेंगे, जो आईएफएससी में लोकेटेड होगा फंड उसको ट्रांसफर करेंगे, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, वो पुराने फंड के जो यूनिट होल्डर शेयर होल्डर रहेंगे उनको नए फंड की यूनिट और शेयर्स मिलेंगे तो उनको भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये एग्जेम्पशन यहां पे दे रखी है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, ओरिजिनल फंड किसको बोलेंगे, ओरिजिनल मींस वो पुराना वाला फंड जो कि फॉरेन कंट्री का फंड है करके, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है,
जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, पुरानी जो पुराना फंड है जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है और उस कंट्री का रेजिडेंट है जिसका इंडिया के साथ में अग्रीमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंट्री को नोटिफाई किया है, उसको ओरिजिनल फंड बोलेंगे। अब एक बात समझना, रीलोकेशन का मतलब क्या होता है कि रीलोकेशन का मतलब उस फंड को इंडिया में ला रहे हैं और इंडिया में नया फंड बना रहे हैं। और नया फंड कौन सा होगा पता है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, 2, 3 वाला, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, 2, 3 वाला और जो IFSC में लोकेटेड है वो वाला फंड होगा। अब एक चीज समझना, यहां पे क्वेश्चन ये आया कि दो चीजें होगी, एक तो पुराना फंड क्या करेगा, जितनी भी उसकी असेट्स वगैरह है वो नए फंड को ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में ये ट्रांसफर जो है ये कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7 AC में एग्जेम्पशन दे रखी है कि ट्रांसफर इन रीलोकेशन ऑफ कैपिटल असेट बाय ओरिजिनल फंड टू द रिजल्टेंट फंड कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और दूसरा, जो भी शेयर होल्डर है या यूनिट होल्डर है वो पुराने फंड्स की यूनिट या शेयर के बदले उसको नए फंड की यूनिट्स मिलेगी, तो उस केस में क्या कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, यहां पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, जो नया वाला फंड है वो जब असेट को बेचेगा तो कॉस्ट क्या लेंगे? जो पुराने वाले फंड की कॉस्ट थी वो लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराने वाले से लेंगे। और एक बात बताओ, जो यूनिट होल्डर है, जो पुराने वाले फंड का यूनिट होल्डर या शेयर होल्डर था, उसको नए फंड की यूनिट मिली तो कॉस्ट क्या लेंगे? पुराने वाले फंड की जो कॉस्ट है वो पुराने वाले फंड की कॉस्ट ले लेंगे। सो दिस इज वन अमेंडमेंट जो यहां पे दे रखा है, जो समझ सकते हो आप। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और एग्जेम्पशन दिया, ये एग्जेम्पशन है 1023FF का। ये एग्जेम्पशन ये बोलता है कि अगर कैपिटल गेन होता है अराइजिंग और रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट और स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 वाला, अगर कैटेगरी 3 वाला जो नया फंड बनाया है या फिर नॉन रेजिडेंट, क्या होता है नॉन रेजिडेंट, यहां पे वर्ड क्यों यूज क्यों किया, उसके पीछे रीजन ये है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और 2 के केस में आपको पता है कैपिटल गेन किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है ना। आपने इन्वेस्टमेंट फंड वाला टॉपिक देखा था, इन्वेस्टमेंट फंड वाले टॉपिक में आपको पता है PGBP को छोड़कर बाकी जितनी भी इनकम होती है वो सब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो non-resident unit holder in case of the alternate investment fund category 1 and category 2, to dekho kya likha hai maine, capital gain arising or received by the non-resident of the alternate investment fund 1 or 2 ke jo unit holder hai wo, ya specified fund means category wala 3 wala, on transfer of share of a company resident in India by the resultant fund or a specified fund to the extent attributed to unit held by non-resident not being a PO of non-resident in India in such a manner as may be prescribed and such a shares were transferred from original fund from the its wholly owned special purpose vehicle to the resultant fund or in relocation and where capital gain on such share were not chargeable to tax if relocation has not taken place. इसको आप याद रखने की जरूरत है, इतना है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। एक बात बताओ, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो जो ओरिजिनल फंड था उसके बाद रिजल्टेंट फंड बना, मतलब नया फंड बना, नए फंड के पास कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स है, इंडियन रेजिडेंट कंपनी के शेयर है और उसको शेयर्स को बेचने से अगर कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो पुराना फंड होता तो पुराने फंड को अगर टैक्स नहीं लगता तो जो नया फंड है उसको भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है। याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ठीक है। तो यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने इसको बहुत ज्यादा टाइम लिया करके, ठीक है, आई थिंक सबसे बड़ा रिवीजन लेक्चर है वो यही वाला रहेगा जहां नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को मैंने आराम से 4-5 बार रिपीट कर करके आपको ये पूरे टॉपिक को रिवाइज कराया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन को, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो काम हो गया पूरा, अब है भैया आपकी बारी करके, ठीक है। आप इसको कितना अच्छे से करते हो, कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करते हो, कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, उस पर डिपेंड करेगा। और लाइफ में एक चीज तो है ही है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि अब आप यहां तक आ ही गए हो ना, देखो CA फाइनल तक जब आप आ ही गए हो ना तो जस्ट क्रैक इट, इसको कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं बोलता कि CA बनने के बाद आपको जॉब ही करना है या प्रैक्टिस चालू करनी है, यू कैन डू एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना के और वो उसमें भी पैसे अच्छे खासे कमा लेते हैं, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। बट CA एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देगी, कि इस डिग्री के दम पे आप महीने का कम से कम है वो 50,000-60,000-70,000 है वो कमा सकते हो। आप लाइफ में कुछ भी रिस्क लोगे ना तो वो रिस्क लेते टाइम आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप फेल भी हो जाते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम CA है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने जब टीचिंग चालू किया तो मुझे बहुत डर था, मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बोला था टीचिंग में ऐसे थोड़ी नाम बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है करके, ठीक है, टीचिंग में बहुत बड़े बड़े इंडिया में नाम है, ये है, तुम्हारा कहाँ नाम होगा करके, ठीक है, तुमको आता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते थे। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से ये एक चीज बोल देता था कि यार देख यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा बात करता हूं, तो मैं अपने को आपको बोलता था कि देख बीबी यार तू CA है, एटलीस्ट अगर तू ट्राई कर ले, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जॉब तो कर ही लेंगे, और जॉब करेंगे तो 50,000-60,000 तो कोई भी दे देगा। ये जो सिक्योरिटी है ना, ये जो श्योरिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ ये डिग्री दे सकती है।
और वो अभी आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है, सो जस्ट ग्रैब इट करिए, उसको आप फटाफट ले लीजिए, मेहनत करिए और उसके बाद की लाइफ मैं बता रहा हूँ सच में अच्छी है। आप भले कुछ बोलो ना बोलो, बट सीए बनने के बाद की जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ऑब्वियसली स्ट्रगल तो लाइफ में, टेंशन तो कम होने ही नहीं वाला है करके, ठीक है आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके बाद में, बट वो ठीक है, वो नॉर्मल टेंशन है, जॉब करना या सब चीज़ें मिल जाती है धीरे धीरे धीरे, सब चीज़ें मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जस्ट क्रैक इट, उसको फटाफट कंप्लीट करिए, एफर्ट लगाइए। मैंने भी अभी ये आपके लिए अप्रोक्स 3 घंटे का लेक्चर हो गया, 3 घंटे का लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये 3 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे भी कम से कम 8 से 10 घंटे का एनर्जी है वो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है व्हेन इट्स कम्स टू द रिविजन लेक्चर, बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक और उसको 3 घंटे में, मैंने ट्राई किया था, मैं ट्राई कर रहा था 2 घंटे में हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ। सो गाइज मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। और लाइफ में जो आप चाहते हो ना, देखो हमेशा यही चीज़ होती है, खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। बहुत बार लोग बोलते हैं अपने को, हर कोई चाहता है कि हमको ये करना है करके, ठीक है हर कोई चाहता है कि यार हमारे घर में भगत सिंह मतलब पैदा होना चाहिए, बट अपने घर में नहीं बाजू वाले के घर में, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद को अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें मिलती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। चलिए थैंक्स अलॉट पीपल, अब अपन सीए बनने के बाद मिलेंगे, आप फटाफट सीए बन जाओ, और जब भी सीए बनने के बाद आप मुंबई आओगे तो ऑब्वियसली अपन लोग मिलने वाले हैं, पार्टी लेने वाले हैं, मैं पार्टी दूंगा टेंशन ना लो करके, ठीक है पार्टी मैं देने वाला हूँ आपको। तो फटाफट क्लियर करो, फटाफट सीए बनो, फिर अपन आएंगे और अपन लोग मिलेंगे। और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार व्यूज़ बहुत हो जाते हैं बट उस पर लाइक्स वगैरह है वो बहुत कम लोग करते हैं, आप कर लिया करो करके, ठीक है लाइक डिसलाइक जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस वीडियो से कुछ ना कुछ एनहांस हुआ है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मींस फटाफट सीए बनो और उसके बाद में हम आपको मिलने वाले। थैंक्स अ लॉट पीपल।